सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां मैंने एक प्लान क्रिएट कर लिया है। आप देख सकते हो कि इस प्लान में मैंने वॉल्स, विंडो, डोर्स, यहां पर डायमेंशन भी डाल दिए हैं, रूम को टैग किया है, विंडोज़ को टैग किया है, यहाँ पर मैंने सेक्शन व्यूज़ भी क्रिएट किए हैं। तो ये हैचिंग भी कैसे क्रिएट करना है, इस पूरे प्लान को मैंने एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। इसी तरह से हमने यहाँ पर फर्नीचर प्लान्स भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप अपने प्लान में फर्नीचर कैसे लगा सकते हो। और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जाते हो 3D व्यूज़ में, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 3D व्यूज़ भी रेडी किए हैं इस प्लान के। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 3D प्लान भी हमने रेडी किया है, यहाँ पर हमने कुछ हिल वगैरह भी रेडी किया है। तो इसे भी मैं इस वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस तरह से हम सारे एलिवेशंस यहाँ पर क्रिएट करेंगे, जैसा कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सारे एलिवेशंस हम कैसे क्रिएट करना है इसके बारे में जानेंगे। इस तरह से सेक्शन व्यूज भी आप देख सकते हो इस प्लान के, तो इसे भी हम लोग इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर डोर शेड्यूल और फिर विंडो शेड्यूल और फिर शीट्स को कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि शीट्स भी हमने इसमें क्रिएट किया हुआ है। तो इस तरह से शीट को किस तरह से क्रिएट करना है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप रेविट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप मेरा ये वीडियो देखकर इसे इंस्टॉल कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में बहुत से एक्स्ट्रा फंक्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप कोई ओल्ड वर्जन भी यूज़ करते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका कंप्यूटर लो कॉन्फ़िगरेशन का है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोअर वर्जन डाउनलोड कीजिए। अगर आपका PC थोड़ा हाई कॉन्फ़िगरेशन का है तो आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर सकते हो। वैसे आप कोई भी वर्जन यूज़ कीजिए, ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला किसी भी वर्जन में। तो चलिए हम लोग रेविट को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेविट के लिए यहाँ पर आइकॉन दिया हुआ है। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। हमारा रेविट स्टार्ट हो रहा है। तो रेविट सॉफ्टवेयर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2020 वर्जन का मैंने यहाँ पर रेविट को इंस्टॉल कर लिया है। 2020 में थोड़ा सा ये जो वेलकम स्क्रीन आपको यहाँ पर नजर आ रही है, वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है। अगर आप कोई ओल्ड वर्जन यूज करते हो तो उसमें कुछ इस तरह का विंडो नजर आएगा, कुछ इस तरह का विंडो आपको ओल्डर वर्जन में नजर आएगा। दोनों विंडो सेम है, यहाँ पर भी आपको प्रोजेक्ट नजर आएगा, यहाँ पर फैमिलीज नजर आएंगे। उसी तरह का हमें इस प्रोजेक्ट में भी, हमारे न्यू वर्जन में भी यहां पर आपको मॉडल्स नजर आएंगे, यहां पर फैमिलीज नजर आएंगे। दो कैटेगरी, यहां पर मॉडल की कैटेगरी और यहां पर फैमिलीज की कैटेगरी। तो यहां पर इसी तरह का विंडो है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि इस वेलकम स्क्रीन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि रिसेंट फाइल, तो यहाँ पर आपको जो विंडो में नज़र आ रहे हैं वो रिसेंटली वर्क किए हुए फाइल्स हैं, जिसे हमने रिसेंटली सेव किया था या फिर ओपन किया था। तो वो रिसेंट फाइल्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, आप क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर सेकंड कैटेगरी है यहाँ की फैमिलीज़ की। तो जो कुछ भी यहाँ पर रेविट आपको रेडीमेड प्रोवाइड करता है, जैसे कि फर्नीचर्स या फिर डोर्स या फिर विंडोज़, तो मैक्सिमम चीज़ें रेविट में रेडीमेड होती हैं। तो रेविट में जो कुछ भी हम अपने मॉडल में क्रिएट करते हैं या फिर अपने प्रोजेक्ट में क्रिएट करते हैं, उन सारे मॉडल्स में हम फैमिलीज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर रेविट हमें रेडीमेड फैमिलीज प्रोवाइड करता है। तो फैमिलीज का इस्तेमाल करके हम अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो मैक्सिमम जैसे कि वॉल्स, विंडोज, डोर्स, फ्लोर्स या फिर आप टैग्स बोल सकते हो, फर्नीचर्स, ये सारे चीज़ें फैमिली के अंडर आती है। इन फैमिलीज़ को हम अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। विदाउट फैमिलीज़ हम रेविट में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। तो यहाँ पर इस फैमिली की कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है मॉडल एंड फैमिलीज़, तो रेविट में हम अपने मॉडल को भी क्रिएट कर सकते हैं। मॉडल का मतलब है हम अपने 3D मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडल होता है। और यहाँ पर हम लोग फैमिलीज भी बना सकते हैं। तो रेविट हमें फैमिलीज बनाने के लिए भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको कोई डिज़ाइन का डोर बनाना है, किसी डिज़ाइन के फर्नीचर बनाने हैं या फिर कोई विंडोज़ बनाने हैं किसी भी डिज़ाइन के,
तो आप उसे फैमिलीज का इस्तेमाल करके यहाँ पर मॉडल कर सकते हो और उसे अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम सिर्फ मॉडल कैसे बनाते हैं इसी के बारे में जानेंगे, फैमिलीज के बारे में मैं आने वाले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेविट जो है वो एक बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। जैसा कि ऑटोकैड में हम लोग 3D मॉडल बनाते हैं उसमें सिर्फ ये 3D मॉडल तैयार होता है, मगर रेविट में हम लोग बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल बनाते हैं। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल का मतलब होता है कि ऐसा मॉडल जिसमें बिल्डिंग की सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि उसमें प्लान्स होंगे, फर्नीचर प्लान्स होंगे, सारे स्ट्रक्चर डिटेल्स होंगे, रिइंफोर्समेंट डिटेल्स होंगे, शीट्स होंगे, रेंडरिंग्स होंगे, 3D मॉडल होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक मॉडल में हम लोग क्रिएट करते हैं, तो इसे हम लोग बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल कहते हैं। तो रेविट में हम लोग 3D मॉडल भी क्रिएट कर सकते हैं और बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है हमारे रेविट प्रोजेक्ट में, जिसका इस्तेमाल हम अपने कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं या फिर प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम रेविट में न्यू प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर न्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक टेम्पलेट फाइल सिलेक्ट करनी होगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टेम्पलेट फाइल, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको टेम्पलेट फाइल्स मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि टेम्पलेट फाइल क्या होता है। तो ऑटोकैड में ज़्यादातर हमें कोई टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर रेविट में हमें विदाउट टेम्पलेट काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको कोई तो टेम्पलेट यूज़ करना होगा। टेम्पलेट एक ऐसी फाइल होती है जिसमें पहले से ही बहुत से सेटिंग्स किए हुए होते हैं, तो हमें वो सेटिंग्स फिर से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम यहाँ पर भी एक टेम्पलेट फाइल सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आर्किटेक्चरल टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके कंप्यूटर में ये सारे टेम्पलेट्स नज़र नहीं आ रहे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि किस तरह से इन टेम्पलेट्स को आपको लोड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आर्किटेक्चरल टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर प्रोजेक्ट पे आपको चेकमार्क रखना है और यहाँ पर ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि इस विंडो में हमें क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर क्विक एक्सेस टूलबार अवेलेबल है, जहाँ पर हमें कुछ शॉर्टकट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पर जैसे कि ओपन, सेव, यहाँ पर आप 3D देख सकते हो, यहाँ पर आप सेक्शन व्यू देख सकते हो, इसी तरह से आप टेक्स्ट लिख सकते हो, टैक्स, डायमेंशन, मेजरमेंट, प्लॉट या फिर प्रिंट, यहाँ पर ये सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं इस क्विक एक्सेस टूलबार में। अगर आप यहाँ पर जाते हो तो यहाँ पर बहुत से टैब्स अवेलेबल है या फिर आप पैनल्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट है फाइल टैब। तो फाइल टैब में आप देख सकते हो कि न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ऑप्शन है, यहाँ पर आप किसी प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए ऑप्शन है, यहाँ पर सेव, सेव एज, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में भी बहुत से ऑप्शन है, यहाँ पर कैड फॉर्मेट, अगर आप अपने रेविट के फाइल को ऑटोकैड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप DWG में, DXF में, इन सारे फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो टैब है वो है आर्किटेक्चर टैब। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सारे मॉडलिंग रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि वॉल, डोर्स, विंडोज, कंपोनेंट, कॉलम, रूफ, सीलिंग, फ्लोर, रेलिंग, स्टेयरकेस, रैम, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एनोटेशंस अवेलेबल हैं। तो इन सारे का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट टैब देखते हो तो यहाँ पर स्ट्रक्चर टैब है। स्ट्रक्चर टैब में यहाँ पर बीम्स, वॉल्स, कॉलम, फ्लोर, ये सारे स्ट्रक्चर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर रिलेटेड यहाँ पर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसी तरह से आप अगर लोड बेयरिंग के ऑप्शंस यहाँ पर चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। यहाँ पर ट्रस, और यहाँ पर देखिए आपको रीइन्फोर्समेंट के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप अपने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो, फुटिंग, कॉलम, बीम, सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर स्टील एक एक्स्ट्रा ऑप्शन जो कि 2020 में दिया गया है, पहले वर्जन में ये टैब नहीं था। तो स्टील में यहाँ पर स्टील रिलेटेड बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आप स्टील वर्क कर सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सिस्टम में। सिस्टम में आप यहाँ पर MEP वर्क कर सकते हो, मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। तो आप देख सकते हो डक्ट, फ्लेक्स, एयर टर्मिनल्स, यहाँ पर सारे ऑप्शन अवेलेबल है, पाइपलाइंस, फिक्स्चर्स वगैरह सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसी तरह इंसर्ट टैब में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हो कि डिकैल्स अवेलेबल है, मतलब कि आप यहाँ पर पोस्टर यहाँ पर लगा सकते हो कोई भी। इंपोर्ट कैड, तो यहाँ पर ऑटोकैड में बनाई हुई फाइल को भी आप इंपोर्ट कर सकते हो,
3D में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपने जो AutoCAD में 2D प्लान बनाया है, यहाँ से आप उसे इंपोर्ट कर सकते हो 3D में कन्वर्ट करने के लिए। इसी तरह आप यहाँ पर PDF में भी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो या फिर इमेज यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर आप रेविट लिंक यहाँ पर दिया गया है, जिससे आप रेविट की दूसरी फाइल अपने इस फाइल में ले सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर इंसर्ट में अवेलेबल है। इसी तरह एनोटेट में अगर जाते हैं तो यहाँ पर आपको डायमेंशन रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ पर आपको डिटेल मिलेगा। तो इस जो एनोटेशन टैब है, इसमें सारे 2D रिलेटेड ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो 2D रिलेटेड मतलब यहाँ पर टेक्स्ट है, यहाँ पर डिटेल लाइन है, यहाँ पर हैचिंग्स हैं, यहाँ पर आप टैग्स देख सकते हो, जैसे कि विंडो टैग, डोर टैग, रूम टैग, इस सारे टैग्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर एनालाइज में जाते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप अपने स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसी तरह से आप अगर मासिंग एंड साइट में जाते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोपो सरफेस, जिससे आप बहुत से सरफेस क्रिएट कर सकते हो जो कि ग्राउंड सरफेस होता है। तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने ग्राउंड सरफेस को तैयार कर सकते हो, जिसमें आप बहुत से कंटूर्स वगैरह दिखा सकते हो, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। तो इसी तरह से आप यहाँ पर साइट भी जनरेट कर सकते हो, यहाँ पर यहाँ से आप साइट कंपोनेंट्स भी ले सकते हो, और यहाँ पर थोड़े से एडवांस मॉडलिंग के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। जैसे कि आपको कोई अगर कॉम्प्लिकेटेड शेप्स वगैरह अगर डिज़ाइन करने हैं तो आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सरफेस डिज़ाइन किया गया है, तो इस तरह के सरफेस आप इस मासिंग एंड साइट का इस्तेमाल करके कर सकते हो। कोलैबोरेशन में ज़्यादा कुछ हमारा नहीं है, बहुत से सेटिंग्स हैं। व्यू में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर व्यू रिलेटेड बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि 3D व्यू, सेक्शन व्यू, एलिवेशन व्यू, प्लान व्यू, ड्राफ्टिंग व्यू, शेड्यूल, क्वांटिटी शीट्स, और भी बहुत से ऑप्शन यहाँ पर व्यू टैब में अवेलेबल है। इसी तरह मैनेज में जाते हो तो यहाँ पर सारे सेटिंग्स अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एडिशनल सेटिंग्स। उसी तरह यहाँ पर मटेरियल के सेटिंग्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। एडिंस में हमारा ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है। एंडस्केप मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, जो कि हमारा रेंडरिंग के लिए हमें काम आता है। तो आपको भी अगर एडवांस रेंडरिंग चाहिए तो आप एंडस्केप का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मॉडिफाई में जाते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑफसेट, मिरर, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर मूव ऑप्शन, रोटेट ऑप्शन, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर मॉडिफाइड टूल बार में अवेलेबल हैं। तो इसका भी इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं अपने इस ट्यूटोरियल में। उम्मीद है आपको ये सारे टैब्स समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट पैनल की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे लेफ्ट साइड में यहाँ पर प्रॉपर्टीज पैनल अवेलेबल है। तो प्रॉपर्टीज पैनल, जिस तरह से AutoCAD में हम लोग प्रॉपर्टीज पैनल का इस्तेमाल कुछ सेटिंग्स करने के लिए करते हैं, उसी तरह रेविट में भी इस प्रॉपर्टीज पैनल का इस्तेमाल हम लोग सेटिंग्स करने के लिए करेंगे। तो यहाँ पर जनरली तीन यहाँ पर आपको मेन ऑप्शंस अवेलेबल है। एक तो ये वाला बटन अवेलेबल है, दूसरा यहाँ पर एडिट टाइप, ये वाला बटन अवेलेबल है, और तीसरा यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर डायरेक्ट विंडो नजर आ रही है। तो इसे हम लोग क्विक प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर जो आपको नजर आता है इसे हम लोग टाइप प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो अगर आपको क्विक प्रॉपर्टीज मतलब क्विकली कोई चेंजेस करना है प्रॉपर्टीज में तो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, और कोई टाइप में चेंजेस करना है तो टाइप प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिया गया है, इसे भी एडिट करके आप अपने चेंजेस कर सकते हो। तो ये सारा टैब आपको सेटिंग्स के लिए यूज होगा। और यहाँ पर अगर आप राइट साइड में देखते हो तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट ब्राउजर नजर आएगा। तो ये थोड़ा सा विंडो के अंदर चला गया है, थोड़ा रिजोल्यूशन का प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, तो मैं यहाँ पर इसे ड्रैग करके थोड़ा सा बाहर ले आता हूँ। तो ड्रैग करेंगे माउस से यहाँ पर, तो देखिए इस बटन पर क्लिक करके आप अपने प्रोजेक्ट ब्राउजर को ड्रैग कर सकते हो, और वापस इसे आप ड्रैग करके यहाँ पर फिट कर सकते हो लेफ्ट में, सॉरी राइट में। तो राइट में यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने कर्सर को लेके और यहाँ पर रख देता हूँ। तो इस तरह से आपको फिट कर लेना है। अगर आपने नया नया रेविट इंस्टॉल किया है तो ये टैब आपको यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर मिलता है ये नीचे की तरफ इस तरह से। तो उसे आप मूव करके अपने राइट साइड में ले लीजिए, ताकि आपको यूज़ करने में कोई दिक्कत ना आए, वहाँ पर भी रहेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखते हैं इसका यूज़ क्या होता है। तो प्रोजेक्ट ब्राउज़र का इस्तेमाल हम लोग जनरली अपने डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए करते हैं। तो आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अपने बिल्डिंग के रेडी किए हैं वो आप इस पैनल से देख सकते हो। जैसे कि आपने बहुत सारे फ्लोर प्लान्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, तो आपको फ्लोर प्लान्स यहाँ पर नज़र आएंगे, सीलिंग प्लान्स यहाँ पर नजर आएंगे, तो आप डबल क्लिक करके वो प्लान्स देख सकते हो। उसी तरह से सारे एलिवेशन्स यहाँ पर नजर आएंगे, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट।
तो जो भी मॉडल या फिर प्लान या फिर प्रोजेक्ट आप तैयार करोगे उसके सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे व्यूज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप कोई सेक्शन व्यू तैयार करते हो, कोई शीट तैयार करते हो, शेड्यूल तैयार करते हो या फिर कोई रेंडरिंग्स करते हो, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप डबल कर क्लिक करके देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा विंडो। और नीचे की तरफ जाते हो तो यहाँ पर डिस्प्ले रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर स्केल अवेलेबल है कि किस स्केल में आपको देखना है अपने प्लान को। उसी तरह से यहाँ पर आपको विजुअल स्टाइल अवेलेबल है, वायर फ्रेम, हिडन, रियलिस्टिक, शेडेड, ये सारे ऑप्शन। यहाँ पर शैडो और सन के ऑप्शंस अवेलेबल है, हाइड शो के लिए ऑप्शन भी अवेलेबल है यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। धीरे धीरे करके हम ये सारे ऑप्शंस को अपने प्लान में यूज़ करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर विंडो में देखते हैं कि यहाँ पर विंडो में क्या क्या दिया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको चार आइकॉन्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो इसे हम लोग जनरली कैमरा बोल सकते हैं कि ये चार कैमराज यहाँ पर अवेलेबल है एलिवेशन के लिए। तो हमें जनरली अपना जो मॉडल है वो इन कैमराज के बीच में क्रिएट करना है। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं चार कैमरा, इसके बीच में आपको जो भी प्लान बनाना है इसके बीच में बनाना है। तो ये कैमराज जनरली एलिवेशन के लिए होते हैं। तो यहाँ पर ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, ये जो हमारे व्यू नज़र आ रहे हैं वो इन एलिवेशन कैमराज की वजह से नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आप कोई भी यहाँ पर डिलीट कर देते हो, समझो मैं इस कैमरे को यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ एलिवेशन के, तो इसे अगर मैं ओके करके डिलीट कर दूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ईस्ट एलिवेशन यहाँ पर गायब हो चुका है। तो इस तरह से आपको इसे डिलीट नहीं करना है, इसे रहने देना है एलिवेशन के लिए। तो यहाँ पर एलिवेशन के लिए इस कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। मॉडल आपको इसके बीच में क्रिएट करना है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 2020 में ऑप्शन दिया गया है इन टैब्स का। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो ये टैब्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इसमें आप मल्टीपल व्यूज़ ओपन कर सकते हो, मल्टीपल फाइल्स ओपन कर सकते हो, या फिर यहीं से आप फाइल्स को क्लोज भी कर सकते हो। ओल्डर वर्जन में ये अवेलेबल नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये टैब। तो उम्मीद है आपको ये विंडो जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको आर्किटेक्चरल टैब के बारे में बताना चाहूँगा। आर्किटेक्चरल टैब में यहाँ पर मेन ऑप्शंस हमारे जो इस वीडियो में हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं उस टाइप के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे कि वॉल, विंडो, डोर्स वगैरह सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप क्लिक करके इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप बहुत से ऑप्शंस में ये एरो देख पा रहे होंगे, तो इस एरो पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी मिलेंगे, वॉल रिलेटेड, कंपोनेंट रिलेटेड, कॉलम रिलेटेड, रूफ रिलेटेड। तो इस एरो का मतलब है यहाँ पर सम ऑप्शंस आर हिडन। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस यहाँ पर हिडन होते हैं, आप क्लिक करके इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट आइकॉन पे क्लिक करते हो तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऊपर भी क्लिक कर सकते हो आपको फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करना है तो, या फिर आप इसका इस्तेमाल करके कोई भी ऑप्शन यहाँ पर ले सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर वॉल के बारे में बता देता हूँ कि वॉल को कैसे क्रिएट करना है प्लान के लिए। तो चलिए वॉल देखते हैं। तो मैं यहाँ पर वॉल पे क्लिक करता हूँ। तो वॉल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपने जिस टाइप का टेम्पलेट लिया है उस टेम्पलेट में ये सारे साइजेस वॉल के अवेलेबल हैं। तो देखिए टेम्पलेट लेने का ये फ़ायदा होता है कि आपको यहाँ पर रेडीमेड साइजेस अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप टेम्पलेट नहीं लोगे तो ये साइजेस अवेलेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अलग अलग साइज़ के यहाँ पर वॉल्स अवेलेबल हैं, मटेरियल के साथ भी अवेलेबल हैं, जैसे कि ये ब्रिक मटेरियल के साथ अवेलेबल है और एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। इस तरह से आप कोई भी ले सकते हो यहाँ पर। फिलहाल मैं यहाँ पर टाइप सिलेक्ट कर लेता हूँ, 8 इंच का यहाँ पर वॉल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच वॉल लिया है। अगर आप इसकी साइज़ चेंज करना चाहते हो तो इजीली आप इसकी साइज़ चेंज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि इस डिफ़ॉल्ट वॉल के साइज़ को कैसे चेंज करना है। तो इस वॉल के साइज़ को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर एडिट टाइप में जाना है। याद रखिए एडिट टाइप ये बहुत ही काम का ऑप्शन है जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट की सेटिंग्स कर सकते हो या फिर उसकी साइज़ चेंज कर सकते हो। तो एडिट टाइप पे हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा टाइप प्रॉपर्टीज़। तो चलिए इसके टाइप प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यहाँ पर एडिट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको फैमिली ऑप्शन मिलेगा, फैमिली, और यहाँ पर टाइप, मतलब ये फैमिली जो है ये है सिस्टम फैमिली बेसिक वॉल, ये एक फैमिली है और इस फैमिली में ये जो टाइप्स हैं इतने सारे टाइप्स अवेलेबल हैं। तो फैमिली ये सारी एक फैमिली होते हैं, तो इस फैमिली में ये सारे टाइप्स अवेलेबल हैं। तो इस फैमिली में आप कोई भी टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने 8 इंच का टाइप यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो इस वॉल में
कोई भी चेंजेस करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। तो आप ये याद रखिए, कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट रेबिट में बनाते हो उसमें अगर आप कोई भी चेंजेस आपको करना है तो सबसे पहले उसका एक डुप्लीकेट तैयार कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर डुप्लीकेट तैयार कर लेता हूँ क्योंकि हम ओरिजिनल को चेंज नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या कि यहाँ पर एक ओरिजिनल वॉल की यहाँ पर डुप्लीकेट तैयार करेंगे और जो कुछ हमें चेंज करना है उस डुप्लीकेट फैमिली में चेंज करेंगे, ओरिजिनल फैमिली में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो 95% हम लोग जनरली डुप्लीकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिए, इस फैमिली का एक डुप्लीकेट तैयार कर लीजिए। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो डुप्लीकेट तैयार करने के बाद यहाँ पर आपको उस फैमिली का नाम पूछेगा, तो आपको यहाँ पर फैमिली का नाम डाल देना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 2 को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 8 की जगह 9 इंच की वॉल ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जेनेरिक 9 इंच और यहाँ पर मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जेनेरिक 9 इंच वॉल अवेलेबल हो गई है। मगर याद रखिए कि यहाँ पर हमने 9 इंच वॉल डाला हुआ है नाम, मगर इसकी साइज़ फ़िलहाल चेंज नहीं हुई है। सिर्फ इस फैमिली का नाम जो है वो 9 इंच हुआ है। इसकी साइज को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में एडिट में जाना होगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है एडिट में और क्लिक करने के बाद आपको इस वॉल के मेन प्रॉपर्टीज यहाँ पर नजर आएंगे, जैसे कि फंक्शन, मटेरियल, थिकनेस और भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो ये जो है स्ट्रक्चर, यहाँ पर मटेरियल हमने अप्लाई नहीं किया है और जो यहाँ पर थिकनेस अभी भी देखिए यहाँ पर 8 इंच नजर आ रही है, तो इसे हम लोग यहाँ पर 9 इंच डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर 8 को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर 9 इंच डाल देता हूँ। तो 9 इंच की वॉल अब यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग ओके कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हमारी जो वॉल है उसकी थिकनेस चेंज हो चुकी है। तो याद रखिए कि इस तरह से आपको चेंज कर लेना है अपने वॉल के थिकनेस को। अब मैं यहाँ पर ओके प्रेस कर देता हूँ। तो ओके करने के बाद आप इजीली यहां पर अपने वॉल को ड्रॉ कर पाएंगे। मगर वॉल को ड्रॉ करने से पहले आपको यहां पर वॉल की हाइट भी यहां पर पुट कर देनी है। तो याद रखिए यहां पर जो हाइट आपको रखनी है अपने वॉल के लिए वो हाइट आप यहां पर रख सकते हो या फिर अकॉर्डिंग टू लेवल भी रख सकते हो। तो लेवल के हिसाब से रेविट में जो कुछ भी काम होता है वो लेवल के हिसाब से होता है। तो लेवल के बारे में भी मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर 10 फीट डाल देता हूँ हाइट अपने वॉल के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि रेविट में जो भी हम लोग प्लान में क्रिएट करते हैं वो साथ ही साथ उसका एलिवेशन और 3D भी तैयार होता रहता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको हाइट भी पुट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर 10 फीट एंटर कर देता हूँ। 10 आपको डालना है और एंटर करना है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली 10 फीट का सिम्बॉल आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 10 फीट हाइट डाल दी है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक वॉल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंगल क्लिक करूँगा और अपने वॉल को स्टार्ट करूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इस वॉल को स्टार्ट कर लिया है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो जूम करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी वॉल ड्रॉ हो रही है जो कि 9 इंच की है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमें एंगल भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमें इसके वॉल के डायमेंशन भी नज़र आ रहे हैं जिस तरह से हमें ऑटोकैड में नज़र आते हैं। तो इसी तरह से हम लोग इसे ड्रॉ कर सकते हैं। समझो मैं यहाँ पर, आप अगर माउस से बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट माउस से भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 15 फीट यहाँ पर देख सकते हो, 15 फीट की यहाँ पर वॉल आ रही है। आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। 6 इंच का इंक्रीमेंट यहाँ पर सेट किया गया है, तो 15, 15, 6 और यहाँ पर 16, 16, 6 इस तरह से हाफ फीट पे यहाँ पर 6 इंच का यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इजीली आप फ्री हैंड भी बना सकते हो या फिर आपको अगर डायमेंशन पुट करना है तो आप इस तरह से कर्सर को लेकर जा ले जाइए वर्टिकल पे या फिर हॉरिजॉन्टल पे। आप देख सकते हो कि जब हम लोग हॉरिजॉन्टल पे जाते हैं यहाँ पर एक डॉटेड लाइन नज़र आती है, या फिर वर्टिकल पे भी जाएंगे तब भी यहाँ पर आपको एक सेंटर पे डॉटेड लाइन नज़र आएगी। इसे हम लोग लोकेशन लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 10 फीट, 10 एंटर कर देते हैं यहाँ पर। और 10 एंटर करने के बाद यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल जाता हूँ, फिर से 10 एंटर। याद रखना है आपको कर्सर की डायरेक्शन को पहले स्पेसिफाई करना है कि जिस डायरेक्शन में आपको वॉल लेना है कर्सर को उस डायरेक्शन में ले जाइए, उसके बाद वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर और फिर एंटर प्रेस कर दीजिए। उसी तरह से इस तरह से डायरेक्शन देना है 10 और यहाँ पर एंटर। जिस तरह से आप ऑटोकैड में लाइन को ड्रॉ करते हो उसी तरह से आपको रेविट में वॉल को ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर वॉल क्रिएट हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वॉल कमांड अभी भी एक्टिव है। तो मैं अपने कीबोर्ड से
स्केप बटन को प्रेस कर देता हूं। अगर आप सिंगल स्केप प्रेस करोगे तब भी क्या होगा कि यहां पर वॉल कमांड देखिए एक्टिव है, तो सिंगल अगर आप क्लिक करते हो स्केप पर तो यहां पर वॉल कमांड, यहां पर आप देख सकते हो कि मॉडिफाई में यहां पर आपको वॉल कमांड एक्टिव दिखा रहा है। तो यहां पर आपको देखना है कि कोई कमांड एक्टिव होगा तो यहां पर जरूर नजर आएगा वॉल कमांड प्लेस वॉल एक्टिव है। यहां पर आपको वॉल के सारे ऑप्शंस भी मिलेंगे, तो अगर आपको स्ट्रेट वॉल बनाना है तो आप इस लाइन पे क्लिक कीजिए, अगर आपको रेक्टेंगुलर वॉल बनाना है तो यहां पर सर्कुलर वॉल, इसी तरह से आप अलग अलग टाइप के वॉल्स यहां पर बना सकते हो। तो मैं यहां पर फिलहाल इसे डिलीट कर देता हूं, इस वॉल कमांड को मैंने डबल स्केप कर दिया यहां पर। तो डबल स्केप करने के बाद आप कमांड से बाहर आ जाओगे, देख सकते हो आप हमारे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं, और यहां पर मैं इसे सिलेक्ट करके इस तरह से डिलीट कर देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो हमने एक रूम बनाया है जिसकी साइज हमने पुट की थी 10x10 फीट। तो यहां पर अगर मैं इस वॉल पे क्लिक करता हूं तो यहां पर ऑटोमेटिकली मुझे डायमेंशन इसके नजर आएंगे। तो आप देख सकते हो कि मुझे यहां पर डायमेंशन दिखा रहा है, इसे हम लोग टेम्पररी डायमेंशन बोलते हैं। तो ये टेम्पररी डायमेंशन है, उसी तरह से हम लोग अगर इस वॉल पे क्लिक करते हैं तो यहां पर भी आपको नजर आएगा टेम्पररी डायमेंशन। तो यहां पर आप देख सकते हो कि वॉल के सेंटर से यहां पर इस वॉल के सेंटर तक हमें डायमेंशन दिखा रहा है। अगर आपको डायमेंशन सेंटर टू सेंटर नहीं देखना है तो आपको इसमें, यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हो इस छोटे से ग्रिप पे, तो आपको यहां पर ये स्विच होता है, देख सकते हो आप इस तरह से क्लिक करके आप इसे स्विच कर सकते हो जहां से आपको देखना है डायमेंशन, इस तरह से आप स्विच कर सकते हो। उसी तरह से अगर आप इस पे क्लिक करते हो फिर भी आपको यहां पर सेंटर टू सेंटर नजर आएगा। तो बार बार आपको इस पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है अगर आपको इंटीरियर फेस से अगर डायमेंशन देखना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इस डायमेंशन जो हमें शो कर रहा है उसे हम लोग किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर आपको जाना है मैनेज में, और मैनेज में जाके यहां पर एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना है, और यहां पर आपको टेम्पररी डायमेंशन सेटिंग्स पे जाना है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर टेम्पररी डायमेंशन सेटिंग है, तो सेंटर लाइन जो वॉल सेंटर लाइन है उसे कर दीजिए फेसेस, और यहां पर डोर और विंडो के लिए कर दीजिए ओपनिंग। तो ये दो सेटिंग कर लीजिए जिससे आपको अपने रूम का जो साइज है वो आपको फेस टू फेस शो करेगा। ओके कीजिए, यहां पर आप देख सकते हो कि हमें जो वैल्यू दिखा रहा है यहां पर वॉल फेस टू फेस यहां पर दिखा रहा है। तो इस तरह से सेटिंग कर लीजिए ताकि आपको इंटीरियर का जो साइज होगा वही नजर आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर जो हमने ड्रॉ किया था अपने वॉल को, वो इंटीरियर में जो स्पेस मिला है हमें 9 फीट 3 इंच मिला है। हमने जो 10 फीट डाला था वो सेंटर टू सेंटर डाला था। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि वॉल बनाते वक्त सबसे पहले आपको तो थिकनेस चेंज कर लेनी है, यहां से टाइप सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले, उसके बाद यहां पर एडिट टाइप में जाके थिकनेस को चेंज कर लेना है, यहां पर जाके आपको हाइट को सेट कर लेना है, यहां पर लेवल्स अकॉर्डिंग टू लेवल भी कर सकते हो, मैं अभी बताऊंगा उसके बारे में, और उसके बाद आपको यहां पर लोकेशन लाइन को सेट कर लेना है। तो जैसे कि यहां पर लोकेशन लाइन फिलहाल हमें वॉल सेंटर लाइन दिखा रहा है, तो सेंटर लाइन हमें यहां पर नहीं चाहिए क्योंकि हमें जनरली वॉल के सेंटर टू सेंटर डायमेंशन पता नहीं होते हैं। अगर आपको वॉल के फेस टू फेस डायमेंशन पता है तो यहां पर आप ले सकते हो फिनिश फेस इंटीरियर, तो इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है, या फिर कोर फेस इंटीरियर। तो यहां पर मैं फिनिश फेस इंटीरियर ले लेता हूं, उसके बाद इस वॉल को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। तो अब आप देख सकते हो कि हमारी जो यहां पर डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है वो हमें ऊपर की साइड में नजर आ रही है, इस तरह से आप देख सकते हो, इसे हम लोग लोकेशन लाइन बोलते हैं जो डॉटेड हमें नजर आ रही है। तो आपको याद रखना है कि इस डॉटेड लाइन को आपको इंटीरियर साइड में रखना है, मतलब जो साइड आपकी रूम की इंटीरियर साइड होगी उसी साइड में इस डॉटेड लाइन को आपको रखना है। तो जैसा कि मैं यहां पर रूम ड्रॉ करने वाला हूं ऊपर की तरफ, तो मैं इसे ऊपर की तरफ रखता हूं। आप स्पेस प्रेस करके इसे फ्लिप कर सकते हो, देखिए यहां पर स्पेस से आप इस वॉल को फ्लिप कर सकते हो। अगर आप नीचे की तरफ रूम बनाना चाहते हो तो इस तरह से लीजिए, अगर आप ऊपर की तरफ रूम बनाना चाहते हो तो इस तरह से लीजिए। तो यहां पर मैं हॉरिजॉन्टल वॉल ड्रॉ कर देता हूं, 10 एंटर, और ऊपर की तरफ जाते हैं 10 एंटर, और फिर से मैं यहां पर 10 एंटर, और यहां पर फिर से 10 एंटर। अब की बार जो हमारे जो वॉल्स और रूम की जो साइज होगी वो इंटीरियर साइड में हमारी 10 फीट की आ जाएगी। अब मैं डबल स्केप कर देता हूं वॉल कमांड से बाहर आने के लिए, तो डबल स्केप कर देना है आपको, उसके बाद मैं इसे वॉल को सिलेक्ट करता हूं, तो देख सकते हैं
इस फेस से इस फेस तक 10 फीट की स्पेस है और यहाँ पर भी वर्टिकली 10 फीट की स्पेस है। तो इस तरह से सेटिंग करके आप वॉल बना सकते हो। इसी तरह से अगर आप इस तरह से बनाते हो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज या फिर आप अगर इस तरह से लेते हो डॉटेड लाइन नीचे की तरफ आपको रूम बनाना है, तो आप सबसे पहले स्पेस करके डॉटेड लाइन को नीचे की तरफ कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर वैल्यू डालिए 10 एंटर और फिर ये बराबर आएगा। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है अपने वॉल्स को। अगर आप इस तरह से करते हो, आप अगर आपका ये जो लोकेशन लाइन है वो नीचे की तरफ नज़र आ रहा है और आप यहाँ पर 10 एंटर करते हो और ऊपर की तरफ रूम बनाते हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कॉर्नर में ये जो वॉल है वो अंदर की तरफ फ्लिप कर रहा है, तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से आपको नहीं, नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो ये सही आएगा, क्योंकि लोकेशन लाइन हमने नीचे की तरफ रखी थी। तो इसी तरह से ऊपर की तरफ आपको नहीं लेना है। स्पेस करके भी आपका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो डायमेंशन आपको नज़र आ रहे हैं वो नीचे की फेस से आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप डालोगे तो ये डायमेंशन आपके गलत हो जाएंगे। तो नीचे की तरफ इस तरह से बना सकते हो आप, या फिर आप स्केप करके यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ से इस तरह से आप बना सकते हो, तो यहाँ पर 10 एंटर और यहाँ पर फिर से 10 एंटर, और यहाँ पर आप क्लोज भी कर सकते हो इस वॉल को। स्केप करके आपको चेंज कर देना है। तो मैं यहाँ पर स्केप करके यहाँ पर बाहर आ गया यहाँ पर। तो रेविट में एक बेनिफिट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आप अगर कोई भी रूम बनाते हो, तो अगर आप इस तरह से क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको टेम्पररी डायमेंशन शो करेंगे। अब इन टेम्पररी डायमेंशन का यूज़ क्या है? तो एक तो है कि हम डायमेंशन यहाँ पर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर फ़ायदा ये है कि अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप इसे एडिट भी कर सकते हो, मतलब आप इसे चेंज कर सकते हो। मतलब यहाँ पर मैं 15 डाल दूंगा, एंटर करूँगा, तो देखिए मैंने जिस वॉल को यहाँ पर सिलेक्ट किया था वो वॉल यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो हमारे रूम की स्पेस यहाँ पर चेंज हो चुकी है। इसी तरह से इस रूम पे क्लिक करते हो और यहाँ पर क्लिक करके अगर आप यहाँ पर 12 डाल देते हो, तो हमारे नीचे की वॉल यहाँ पर 12 फीट पे चली जाएगी। जिस वॉल को आप सिलेक्ट करोगे वो वॉल यहाँ पर मूव हो जाएगी। तो इस तरह से टेम्पररी डायमेंशन का इस्तेमाल हम लोग रेविट में करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इस रूम को डिलीट कर देता हूँ। इस रूम में मैं आपको विंडोज़ और डोर फिट करके दिखाता हूँ। तो विंडोज़ और डोर यहाँ पर बहुत ही सिंपल है रेविट में फिट करना। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर डोर पे जाता हूँ यहाँ पर, तो डोर पे अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइप्स नज़र आएंगे। तो सारे टाइप्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर अलग अलग टाइप के डोर्स अवेलेबल हैं, तो मैं यहाँ पर किसी भी साइज़ पर क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पर वॉल पर जाते हो यहाँ पर इस तरह से कुछ, तो यहाँ पर आप अपने डोर को डायरेक्टली फिट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये फिट हो जाएगा। आप अगर यहाँ पर स्पेस बार करते हो तो देखिए यहाँ पर आप अपने डोर के ओपनिंग के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। तो स्पेस से यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको ऊपर की तरफ लेना है तो आप अपने कर्सर को स्लाइटली मूव ऊपर की तरफ कीजिए। अगर नीचे की तरफ करेंगे स्लाइटली मूव, तो आप नीचे डोर प्लेस कर पाएंगे। तो इस तरह से ऊपर नीचे मूव करेंगे तो आप डोर को फिट कर सकते हो अलग अलग डायरेक्शन में। उस तरह से यहाँ पर लेफ्ट राइट में आप करते हो, स्पेस करके आप यहाँ पर फ्लिप कर सकते हो डायरेक्शन को। तो यहाँ पर आपको जिस डिस्टेंस में यहाँ पर फिट करना है आपको डोर, यहाँ पर आप फिट कर सकते हो, क्लिक करना है जस्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक डोर फिट हो चुका है। आप चाहो तो डोर फिट करने के बाद भी इसकी डायरेक्शन को फ्लिप कर सकते हो इनका इस्तेमाल करके। ये देखिए यहाँ पर बहुत से एरोज अवेलेबल हैं, इनका इस्तेमाल करके आप इसे फ्लिप कर सकते हो। तो यहाँ पर डायमेंशन भी अवेलेबल है टेम्पररी। अगर आपको ये गैप चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर चेंज कर सकते हो। 6 इंच डाल देते हैं, इंच का सिंबल डालोगे तब भी चलेगा, या फिर आप यहाँ पर 0 space 6 कर दीजिए। तो 0 space 6 डालोगे तो यहाँ पर 6 इंच कंसिडर होगा। तो इस तरह से आप रेविट में फिट और इंचज डाल सकते हो। एंटर करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 6 इंच का यहाँ पर गैप प्रोवाइड हो चुका है। इस तरह से कहीं पर भी आपको अगर फिट करना है तो आप इस तरह से स्पेस करके यहाँ पर फिट कर सकते हो। तो इजीली यहाँ पर आपको टाइप सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सिंपल क्लिक करके फिट कर देना है। तो स्केप करते हैं अब बाहर आने के लिए फिर से। यहाँ पर हम लोग अब विंडो फिट करने की तरफ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ विंडो और यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे टाइप के विंडोज़ यहाँ पर पहले से ही इस टेम्पलेट में अवेलेबल हैं। फिक्स्ड विंडो है यहाँ पर मेन टाइप, यहाँ पर विंडो केसमेंट डबल विंडो है, यहाँ पर आप यहाँ पर एक और विंडो टाइप अवेलेबल है। तो आप कोई भी टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर केसमेंट डबल टाइप का विंडो यहाँ पर फिट करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा सिंपल
और यहाँ पर मैं अगर वॉल पे जाता हूँ तो देख सकते हो कि वॉल में आप इस तरह से विंडो को फिट कर सकते हो, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। तो आप जिस तरह से कर्सर मूव करोगे ऊपर या फिर नीचे, तो ये फ्लिप होगा इस तरह से। आप फिट करने के बाद भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको सेंटर में फिट करना है तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको सेंटर यहाँ पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर स्पेस को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, तो जब डायमेंशन इक्वल हो जाएंगे तब आपको सेंटर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 4:5, 4:5 यहाँ पर आ गया है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर विंडो फिट हो जाएगी। उसी तरह से आप यहाँ पर भी फिट कर सकते हो, आप देख सकते हो इक्वल यहाँ पर देखना है, दोनों साइज इक्वल होना चाहिए, उसके बाद क्लिक कर देना है। उसी तरह से यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, दोनों साइज इक्वल होने के बाद इस तरह से आप विंडो को इजीली फिट कर सकते हो। यहाँ पर अलग अलग साइज का इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर अलग साइज लेकर भी यहाँ पर आप फिट कर सकते हो एट द सेंटर। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ 5:6, 5:6 एंटर, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करके आप इजीली फिट कर सकते हो, चाहो तो बाद में भी यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो क्लिक करके। यहाँ पर देखिए 4 फीट, तो इस तरह से आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो, या फिर 5:6 एंटर, तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हो अपने डायमेंशन में। अब मैं यहाँ पर स्केप कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर विंडो कमांड एक्टिव है। तो जो भी कमांड आपका एक्टिव होगा यहाँ पर वो दिखाएगा यहाँ पर ग्रीन विंडो में, तो आपको स्केप करके बाहर आ जाना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर स्केप करके हमने बाहर आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा रूम बनाया है जिसमें मैंने बहुत से विंडोज और डोर्स लगाए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमने प्लान रेडी किया है। अगर आप यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउजर में जाते हो तो इसके अलग अलग आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको फ्लोर प्लान मिलेगा जो कि हमने अभी देख रहे हैं। तो यहाँ पर लेवल 1 का प्लान आपको नजर आएगा, लेवल 2 का मतलब है यहाँ पर आपको फर्स्ट फ्लोर का प्लान नजर आएगा। तो हमने फर्स्ट फ्लोर में तो कोई प्लान नहीं बनाया, तो अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमें फर्स्ट फ्लोर नजर नहीं आएगा, हमको अपना ग्राउंड फ्लोर यहाँ पर फेंट में नजर आएगा, रेफरेंस के लिए ये नजर आता है। तो सेकंड फ्लोर का तो प्लान हमने अभी नहीं बनाया है, तो यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पर लेवल 1 पे चले जाते हैं। उसी तरह से आप यहाँ पर एलिवेशन देख सकते हो इसका। तो अगर मैं ईस्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि ईस्ट एलिवेशन यहाँ पर हमें मिल चुका है। इसी तरह से नॉर्थ पे क्लिक करते हो तो नॉर्थ एलिवेशन भी यहाँ पर, साउथ एलिवेशन पे डबल क्लिक और वेस्ट एलिवेशन पे डबल क्लिक। आपको याद रखना है कि अगर आप डबल क्लिक करेंगे तभी आप इस व्यू को देख पाएंगे। और यहाँ पर आपको 2 लाइंस भी नजर आएंगे जो कि लेवल्स यहाँ पर दिखा रहा है, लेवल 1 जो कि 0 फिट पे है और लेवल 2 जो के है 10 फिट पे। तो यहाँ पर हमारे रेविट में सारा काम यहाँ पर लेवल्स पे होता है, तो आपके जितने फ्लोर्स होंगे उतने आपको यहाँ पर लेवल्स बनाने होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हमें फिलहाल ग्राउंड फ्लोर बनाना था, इसलिए हमारा 2 यहाँ पर पहले से ही हमारे टेम्पलेट में 2 लेवल्स अवेलेबल थे, लेवल 1 और लेवल 2। अगर हमें एक्स्ट्रा फ्लोर्स यहाँ पर डालने हैं तो हमें लेवल क्रिएट करना होगा। यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, आप देख सकते हो लेवल के लिए, तो सिंपल इसे आप बना सकते हो। तो अभी हम लोग लेवल नहीं बनाएंगे, आगे चल के अगर जरूरत पड़े तो हम जरूर बनाएंगे लेवल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेवल यहाँ पर 0 है, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर है। हमारे जो वॉल्स हैं, हमारे प्लान के जो वॉल्स हैं वो लेवल 1 टू लेवल 2 तक यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप चाहो तो इन लेवल की हाइट यहाँ पर डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हो, देख सकते हो इन लेवल को मूव कर सकते हो आप। आप यहाँ पर भी इसकी हाइट डबल क्लिक करके यहाँ पर इस हाइट को 12 फीट यहाँ पर चेंज कर सकते हो अपने लेवल के हाइट को, या फिर 10 फीट भी यहाँ पर कर सकते हो। तो डबल क्लिक करके यहाँ पर 10 फीट कर देते हैं। इसी तरह से इन लेवल्स का नाम भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लेवल 1 को यहाँ पर कुछ नाम कर देता हूँ, ग्राउंड फ्लोर, या फिर आप यहाँ पर 1 डॉट। तो नंबरिंग करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर 1 डॉट और यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ग्राउंड और यहाँ पर फ्लोर में कैप्स लॉक में थोड़ा लिख देता हूँ इसे, कैपिटल ग्राउंड फ्लोर। मैंने यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर लिख दिया है यहाँ पर, और साइड में क्लिक कर देना है आपको और यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है। वुड यू लाइक टू रीनेम करस्पॉन्डिंग व्यू, यस पे क्लिक कर दीजिए। तो देख सकते हो जैसा कि हमने इस लेवल का नाम यहाँ पर चेंज कर दिया, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि हमारा फ्लोर प्लान में यहाँ पर भी लेवल 1, यहाँ पर लेवल 1 की जगह यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर आ गया है। तो उसी तरह से इसे भी हम लोग चेंज करते हैं डबल क्लिक करके, तो यहाँ पर 2 डॉट कर सकते हो। यहाँ पर आप रूफ फ्लोर कर सकते हो या फिर फर्स्ट फ्लोर कर सकते हो। रूफ फ्लोर का मतलब है यहाँ पर आपका रूफ होगा, या फिर आप यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर भी डाल सकते हो। यहाँ पर आपको फर्स्ट फ्लोर लिखना है, फर्स्ट और यहाँ पर फ्लोर, और साइड पे क्लिक कर देना है।
फिर से यहाँ पर यस कीजिए। अगर आप नो करते हो तो यहाँ पर लेवल टू की जगह यहाँ पर नाम चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर यस कर दीजिए जिससे यहाँ पर भी नाम आपका चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर और सेकंड में फर्स्ट फ्लोर यहाँ पर बना सकते हो। तो इस तरह से आप इन लेवल्स का नाम चेंज कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ से भी आप इनकी हाइट को चेंज कर पाएंगे, 12 फीट या फिर 15 फीट, यहाँ पर 10 फीट, इस तरह से आप चेंज कर पाएंगे। उसी तरह से आप यहाँ पर इसकी साइज़ को भी कंट्रोल कर पाएंगे इस सर्कल का इस्तेमाल करके। तो इस तरह से ड्रैग करना है आपको, क्लिक करके ड्रैग करना है। तो इस तरह से आप ड्रैगिंग भी कर सकते हो इसकी साइज़ को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो इनकी साइज़। तो आपको अगर चाहिए तो आप इस तरह से छोटा कर लीजिए इसे, यहाँ से भी आप चाहो तो आपका जितना प्लान है उतने तक आप इसे सीमित रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं ऐसे रख देता हूँ। तो देखिए इस तरह से आप यहाँ पर लेवल्स की साइज़ को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर न्यू लेवल क्रिएट करना है तो आपको सिंपल यहाँ पर लेवल पे जाना है। तो यहाँ पर मैं लेवल पे क्लिक कर देता हूँ, और लेवल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर ट्रैकिंग लाइन दिखाई दे रही है आपको। तो 10 फीट पर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। आपको याद रखना है कि लेंथ आपको इक्वल रखनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर इक्वल लेंथ का एक और लेवल हमने ऐड कर दिया है। ये लेवल बनाते ही हमारा देखिए यहाँ पर फ्लोर प्लान में एक और लेवल यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है, लेवल 3। अब मैं यहाँ पर चाहूँ तो इसे नाम कर दे सकता हूँ 3 डॉट, यहाँ पर हम लोग सेकंड फ्लोर डाल सकते हैं, सेकंड फ्लोर और साइड पर क्लिक कर देंगे और यस कर देंगे। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर भी यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। इस तरह से आप अलग अलग फ्लोर्स ऐड कर सकते हो। तो आपको याद रखना है कि इन लेवल्स को आपको फ्लोर बनाने से पहले बना लेना है। तो इस तरह से आप लेवल्स में काम कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग इसका 3D व्यू देखते हैं। अगर आपको इस जो हमने प्लान बनाया इसका 3D व्यू देखना है तो आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, देखिए 3D व्यू पे। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो 3D व्यू आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप व्यू में जाते हो फिर भी यहाँ पर एक 3D व्यू ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें भी आप क्लिक कर सकते हो। तो चलिए क्लिक कर देते हैं यहाँ पर, और आप यहाँ पर 3D व्यू देख सकते हैं। तो देखिए हमने जो रूम बनाया था उसके सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, विंडो, डोर्स, ये सारे फैमिलीज रेडीमेड होते हैं, इसलिए हमें रेविट में काम करने में बहुत ही आसानी होती है। तो इस तरह से आप इसे देख सकते हो, ये अभी ब्लैक एंड वाइट में आपको नज़र आ रहा है। तो अगर आपको कलरफुल में देखना है तो आपको यहाँ पर इसका विजुअल स्टाइल चेंज करना होगा। तो विजुअल स्टाइल चेंज करने के लिए इस बटन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आप रियलिस्टिक पे जा सकते हो। तो रियल व्यू आपको नज़र आएगा, देखिए सारे मटेरियल्स भी यहाँ पर डाले हुए हैं, यहाँ पर विंडो भी डाला हुआ है, उसके भी ग्लास हैं। और यहाँ पर अगर जाते हो शेडेड में तो शेडेड व्यू नज़र आएगा, इसी तरह से शेड, यहाँ पर हिडन लाइन्स और यहाँ पर वायर फ्रेम, ये सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं। फिलहाल मैं इसे कंसिस्टेंट कलर कर देता हूँ। तो देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा 3D मॉडल रेडी है। अगर आप इसे रोटेट करके देखना चाहो तब क्या करेंगे, तो आप सिंपल इस व्यू क्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो इसे देखने के लिए। तो यहाँ पर आपको अगर आइसोमेट्रिक देखना है तो इन कॉर्नर्स पर क्लिक कीजिए, तो आपको अपने मॉडल्स का यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू नज़र आएगा। या फिर आपको फ्री हैंड ऑर्बिट करना है तो आपको अपने कीबोर्ड शिफ्ट प्लस मिडल माउस प्रेस करना है। तो आप ऑटोकैड में जिस तरह से कंट्रोल करते हो उसी तरह से सेम शिफ्ट प्लस मिडल माउस यहां पर प्रेस करके आप इसे रोटेट कर सकते हो। देख सकते हो यहां पर मैंने रोटेट कर दिया है। तो इस तरह से आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर कोई भी बेस अवेलेबल नहीं है, कोई भी रूफ अवेलेबल नहीं है, आप इस तरह से रोटेट करके इसे देख सकते हो। या फिर इस व्यू क्यूब पर क्लिक करके भी आप इसे ऑर्बिट कर सकते हो, व्यू क्यूब पे क्लिक करके होल्ड करना है और इस तरह से आप इसे ऑर्बिट करके देख सकते हो। एक्चुअली ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप शिफ्ट और मिडल माउस का इस्तेमाल करें तो आप इजीली इसे देख पाएंगे। तो चलिए अब हमें फिर से इसका प्लान व्यू देखना है। तो फिर से अगर आपको इसका प्लान व्यू देखना है तो यहाँ पर फिर से आपको फ्लोर प्लान्स में ग्राउंड फ्लोर में जाना होगा। तो यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ मैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो देखिए मैं फिर से यहाँ पर प्लान व्यू देख सकता हूँ। इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर, इसी तरह से डबल क्लिक करके आप प्लान्स को देख पाएंगे। तो कोई भी प्लान आपको देखना है यहाँ से आप डबल क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हो। यहाँ पर 3D व्यू भी अवेलेबल हो गया है, तो 3D व्यू पे डबल क्लिक करके 3D व्यू भी देख पाएंगे। तो इस तरह से आपको लेवल्स क्रिएट करने के बाद कोई भी प्लान को स्टार्ट करना है।
उम्मीद करता हूं कि आपको अब तक का सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा ये वीडियो 2 से 3 बार जरूर देखें, क्योंकि अगर आप एक बार देखोगे तो आपको यहां पर समझ नहीं आएगा। साथ ही साथ आप इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए, तो आपको 2 से 3 बार इस वीडियो को देखना है और आपको प्रैक्टिस भी करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इस प्लान को अब डिलीट करने वाला हूं और आपको एक बड़ा फ्लोर प्लान बना के दिखाने वाला हूं। तो चलिए मैं सब सारे यहां पर विंडोज को क्लोज कर देता हूं और एक न्यू फाइल यहां पर ओपन करता हूं। तो हो सकता है कि आपके विंडो में यहां पर एक क्रॉस का बटन नजर आए क्लोज के लिए। अगर आप लोअर वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो तो यहां पर एक क्रॉस का बटन आएगा क्लोज करने के लिए। मेरे इसमें फिलहाल यहीं पर है, तो मैं यहां पर क्लोज कर देता हूं। तो यहां पर मैं नो कर देता हूं, यहां पर मुझे सेव नहीं करना है। तो फिर से हम लोग यहां पर वेलकम स्क्रीन में आ जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने फ्लोर प्लान के लिए एक न्यू फाइल लेते हैं। तो यहां पर फिलहाल मैं न्यू ले लेता हूं। न्यू लेने के बाद आपको यहां पर टेम्पलेट फाइल को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहां पर आर्किटेक्चरल टेम्पलेट फाइल सिलेक्ट कर लेता हूं। आप इस तरह से कंस्ट्रक्शन या फिर मेट्रिक फाइल भी ले सकते हो। मेट्रिक फाइल आप मीटर में काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहां पर आर्किटेक्चरल टेम्पलेट ओके कर देते हैं। तो टेम्पलेट का फायदा यह होता है कि हमें कोई भी सेटिंग यहां पर नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्ट अपने प्लान की शुरुआत कर सकते हैं। तो किसी भी प्लान को बनाने से पहले सबसे पहले आपको कुछ यहां पर सेटिंग करना होगा। जैसे कि मैं यहां पर प्रोजेक्ट ब्राउजर को थोड़ा सा बाहर ले जाता हूं, इसे सेट कर देता हूं यहां पर। उसके बाद मैं यहां पर इसके लेवल्स को यहां पर रीनेम कर दूंगा यहां पर। तो मैं यहां पर किसी भी एलिवेशन में चला जाता हूं और एलिवेशन में जाने के बाद मैं यहां पर इन लेवल्स के रीनेम कर देता हूं यहां पर। तो आप मैं यहां पर डबल क्लिक करता हूं लेवल 1 पे, तो 1 डॉट यहां पर मैं डाल देता हूं ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर के लिए यहां पर मैं ग्राउंड फ्लोर लिख देता हूं, ग्राउंड फ्लोर, और साइड पे क्लिक करना है और यहां पर यस कर देना है। उसके बाद यहां पर मैं इस लेवल को भी चेंज कर देता हूं 2 डॉट यहां पर फर्स्ट फ्लोर आप डाल सकते हो, और यहां पर साइड पे क्लिक कर देते हैं और यहां पर यस करना है आपको। यहां पर देख सकते हो कि यहां पर 2 लेवल्स यहां पर अवेलेबल हो गए हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। तो यहां पर मैंने 2 लेवल्स बना लिए हैं। इसी तरह से अगर आपको यहां पर प्लिंथ को ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हो कि यहां पर आपको लेवल्स की हाइट को चेंज करना होगा। तो चलिए हम लोग इसमें एक और लेवल ऐड करते हैं जिसे हम लोग प्लिंथ लेवल बोलते हैं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं कि यहां पर मैं इस ग्राउंड फ्लोर को डबल क्लिक करके यहां पर मैं चेंज कर देता हूं 2 फीट। 2 फीट पे हमारा ग्राउंड फ्लोर स्टार्ट होगा और फर्स्ट फ्लोर को यहां पर 12 फीट डाल देते हैं। यहां पर आपको 12 फीट डालना होगा। तो ये 2 फीट और यहां पर 12 फीट, मतलब यहां पर फ्लोर हाइट हमारी 10 फीट की आएगी। अगर आपको ज्यादा रखना है आप ज्यादा रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर इस लेवल से इस लेवल तक हाइट यहां पर 10 फीट की है। तो चलिए एक और लेवल हम लोग यहां पर ड्रॉ करते हैं। यहां से आपको लेवल पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर देख सकते हो इस पॉइंट से क्लिक करना है, तो इस पॉइंट तक इक्वल एक लेवल ड्रॉ कर लेनी है। इसे भी हम लोग रीनेम कर देते हैं डबल क्लिक करके। यहां पर मैं ग्राउंड लेवल कर देता हूं, तो 1 डॉट यहां पर ग्राउंड लेवल नाम डाल देते हैं, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल, और यहां पर साइड पे क्लिक करेंगे और यस करेंगे। याद रखिए यहां पर ग्राउंड लेवल को हम लोग 0 में कर देते हैं, यहां पर 0 फीट पे। तो यहां पर 0 एंटर, यहां पर ग्राउंड लेवल हमारा 0 पे चला गया है। आप देख सकते हो कि यहां पर जो है हमारा फ्लोर का जो यहां पर टेक्स्ट है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। अगर आपको ओवरलैप नहीं करना है तो यहां पर आप स्केल को चेंज कर सकते हो। तो यहां पर 1/8 इक्वल टू 1 फीट यहां पर अवेलेबल है, तो इसे 3/16 कर सकते हो आप। तो यहां पर टेक्स्ट की साइज यहां पर छोटी हो जाएगी। तो यहां पर आप साइज चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पर स्केल को जितना कम करेंगे उतना साइज यहां पर आपको चेंज मिलेगा। तो यहां पर मैं कर देता हूं 3/6, तो यहां पर मुझे नजर आ रहा है। तो चलिए थोड़ा सा नंबरिंग इसका चेंज कर देते हैं। यहां पर 1 नहीं होना चाहिए, यहां पर मैं 2 कर देता हूं, साइड पे क्लिक यस, और यहां पर मैं 3 कर देते हैं, यहां पर 3 पे क्लिक, यहां पर मैं 3, और यहां पर साइड पे क्लिक और यस कर देते हैं। देख सकते हो 1, 2 और 3 यहां पर 3 लेवल्स हमने बना लिए हैं। अब आपको अपने प्लान को बनाने के लिए यहां पर ग्राउंड फ्लोर पे डबल क्लिक करना है, क्योंकि अब हम प्लान बनाने वाले हैं। तो यहां पर आपको ग्राउंड फ्लोर पे डबल क्लिक करना है जिससे आपको यहां पर ग्राउंड फ्लोर नजर आएगा। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको वॉल बना सकते हो। चलिए देखते हैं कि हम कौन सा प्लान यहां पर बनाने वाले हैं।
तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हम इस प्लान को बनाने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेडरूम, यहाँ पर टॉयलेट, हॉल, किचन, यहाँ पर पोर्च भी अवेलेबल है। तो इस पूरे प्लान को हम लोग बनाने वाले हैं। हम यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं कि जो एक्सटीरियर वॉल है वो 9 इंच की है, और जो यहाँ पर इंटीरियर वॉल है या फिर पार्टीशन वॉल है वो यहाँ पर हम लोग 6 इंच कंसिडर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस प्लान को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो रेविट में सबसे पहले आपको यहाँ पर वॉल पे जाना है। वॉल पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले थिकनेस सिलेक्ट कर लेनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी वॉल की थिकनेस हमें अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर 9 इंच तो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर 6 इंच अवेलेबल है, आप देख सकते हो 6 इंच। तो 9 इंच हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वॉल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडिट टाइप करेंगे। एडिट टाइप करने के बाद यहाँ पर हम लोग डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट के बाद इसका नाम हम लोग डाल देंगे 9 इंच। ओके, तो नाम यहाँ पर चेंज करने के बाद यहाँ पर थिकनेस चेंज करना है। आपको याद रखना है, एडिट पे जाके इसकी थिकनेस को चेंज कर लीजिए 9 इंच, और यहाँ पर ओके प्रेस कर दीजिए। ओके प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पर 9 इंच की वॉल अवेलेबल हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हाइट सेलेक्ट कर लेना है। तो याद रखिए, आपको अपनी हाइट फर्स्ट फ्लोर तक सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर सेलेक्ट करते हो तो आपकी जो वॉल की हाइट होगी वो फर्स्ट फ्लोर लेवल तक आएगी। तो फर्स्ट फ्लोर लेवल तक लाने के लिए देखिए, यहाँ पर अगर मैं कोई भी यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ एक वॉल, और यहाँ पर अगर मैं एलिवेशन में जाके देखता हूँ, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर एलिवेशन देख सकते हो, हमारी जो वॉल है यहाँ पर वो ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर यहाँ पर ड्रॉ हुई है। तो इस तरह से आप ग्राउंड टू फर्स्ट ड्रॉ कर सकते हो। उसी तरह अगर आप इसे चेंज कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पर 20 फिट कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली वॉल भी यहाँ पर 20 फिट की हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने वॉल को यहाँ पर अटैच कर दिया है इस लेवल से। तो लेवल जैसे ही मूव होगा उसी तरह हमारे वॉल की हाइट भी चेंज होगी। तो अगर आप फ्यूचर में अपने प्लान बनाने के बाद कभी भी अगर चेंज करते हो अपने फ्लोर हाइट को, तो इजीली यहाँ पर अब वॉल की हाइट भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर डबल क्लिक करके 12 फिट कर देता हूँ। 12 फिट यहाँ पर ओवरलैप होंगे तो यहाँ पर आप स्केल चेंज कर सकते हो इसे, देखिए यहाँ इस तरह से। अब मैं फिर से यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे चला जाता हूँ, इस वॉल को डिलीट कर देते हैं फिलहाल, फिर से वॉल लेते हैं। तो वॉल के लिए शॉर्टकट भी है और रेविट में, तो वॉल के लिए WA प्रेस करना है। तो WA प्रेस करेंगे और आप वॉल यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। वॉल लेने के बाद फर्स्ट फ्लोर सेलेक्ट कीजिए यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर लोकेशन लाइन, यहाँ पर फिनिश फेस इंटीरियर, और यहाँ पर आपको रेक्टेंगल पे क्लिक कर लेना है। रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट क्लिक यहाँ पर, और एक बड़ा सा एक रेक्टेंगल बना लीजिए यहाँ पर। तो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, स्केप कर देते हैं बाहर आने के लिए। फिर से प्लान देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो पोर्च का एरिया अवेलेबल है, तो इस वॉल को हम बनाते हैं यहाँ से अंदर की तरफ, और यहाँ से 6 इंच की वॉल। तो 9 इंच और 6 इंच की वॉल हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं फिर से WA प्रेस करके वॉल ले लेता हूँ। WA, तो यहाँ पर अगेन 9 इंच की वॉल यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके स्टार्ट करता हूँ इस तरह से, और यहाँ से स्केप करते हैं, सिंगल स्केप, और फिर यहाँ पर मैं 6 इंच सेलेक्ट करता हूँ, 6 इंच, और यहाँ पर मैं एक और वॉल ड्रॉ कर लेता हूँ। स्केप करेंगे यहाँ पर बाहर आने के लिए। अब मुझे करना क्या है कि ये जो वॉल हमें नज़र आ रहे हैं इसे मुझे ट्रिम करना है। तो ट्रिम करने के लिए यहाँ पर आपको मॉडिफाई पे जाना होगा, और मॉडिफाई पे जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रिम ऑप्शन अवेलेबल है, ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। तो इसे कॉर्नर क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसा कि आप ऑटोकैड में फिलेट का इस्तेमाल करते हो, सेम उसी तरह से आप इसका इस्तेमाल रेविट में कर सकते हो। तो यहाँ पर ट्रिम के लिए शॉर्टकट है TR, TR भी प्रेस कर सकते हो आप। तो मैं क्लिक करता हूँ इस पर, इस वॉल पे क्लिक, और इस वॉल पे क्लिक, उसी तरह इस वॉल पे और इस वॉल पे। तो इस तरह से आप ट्रिम करके कॉर्नर क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए और यहाँ पर ड्रॉ करते हैं वॉल्स। तो मैं यहाँ पर इस डक्ट को ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर अंदर की तरफ। तो मैं यहाँ पर अंदाजे साइज ले लेता हूँ, WA फॉर वॉल, यहाँ पर मैं अंदर की तरफ, सॉरी 6 इंच नहीं लेना है मुझे, 9 इंच लेना है यहाँ पर, 9 इंच वॉल, यहाँ पर स्ट्रेट इस तरह से कुछ। तो यहाँ पर अंदाजे यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, उसी तरह से यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेंगे एक डक्ट हम। तो ये वाला डक्ट भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर भी एक डक्ट प्रोवाइड कर देंगे। और यहाँ पर अगर आप जाते हो तो यहाँ पर हो चुका है, हमारे 2 डक्ट्स यहाँ पर थे तो मैंने दोनों को यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अब मुझे करना क्या है कि इस वाले वॉल को यहाँ पर रिमूव करना है। तो यहाँ पर अगर आप ट्रिम करते हो, TR प्रेस करके ट्रिम TR, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस कॉर्नर और इस लाइन पे,
यहाँ पर अगर आप देखिए यहाँ पर एरर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर सारी वॉल यहाँ पर रिमूव हो जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो ऑटोडेस्क रेविट यहाँ पर एक वार्निंग मैसेज आ रहा है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वॉल्स यहाँ पर पूरी तरह से डिलीट हो चुका है, यहाँ पर आप कैंसिल कर दीजिए, इस तरह से आपको नहीं करना है ट्रिम। तो इसके लिए करना क्या है कि इस वॉल को आपको बीच से कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है स्प्लिट ऑप्शन, स्प्लिट से आप अपने वॉल को कट कर सकते हो। तो स्प्लिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर एक कट लगा देता हूँ इस वॉल पे, कट एक सिंगल क्लिक करना है, ये वॉल पे कट लग जाएगा। उसके बाद आपको ट्रिम का इस्तेमाल करना है, TR या फिर यहाँ पर क्लिक करना है इस वॉल पे और इस वॉल पे, देखिए ये पोर्शन सिर्फ रिमूव हुआ, और फिर इस वॉल पे और इस वॉल पे। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो, सेम यहाँ पर भी स्प्लिट कर सकते हो आप। SL शॉर्टकट है स्प्लिट के लिए, SL। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ SL से, और यहाँ पर ट्रिम करेंगे इस वॉल पे, इस वॉल पे, इस वॉल पे और इस वॉल पे। इस तरह से हम लोग डक्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए हम लोग अब इंटीरियर के यहाँ पर वॉल्स ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस बेडरूम के रूम वॉल्स को ड्रॉ कर लेता हूँ, ये दो वॉल हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये 6 इंच के वॉल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं WA प्रेस करता हूँ वॉल के लिए, WA यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, 6 इंच वॉल, 6 इंच, और यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कुछ इस पॉइंट से। आपको ये बार बार सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है इस टूल बार पर, यहाँ पर आपने एक बार सेटिंग कर दिया तो ये सेटिंग हो गया, उसके बाद आप यहाँ पर बना सकते हो। तो देखिए ये जो वॉल आ रही है ऊपर की तरफ आ रही है, तो मैं इसे स्पेस करके नीचे की तरफ कर देता हूँ। इस तरह से स्पेस करके आप स्विच कर सकते हो अपने वॉल को। यहाँ पर स्पेस करके मैंने स्विच कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कुछ, देखिए यहाँ पर ट्रैकिंग लाइन भी हमें मिल रही है। इस तरह से ट्रैकिंग लाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हो, रिविट में क्लिक कीजिए यहाँ पर, और यहाँ से तो यहाँ तक आप ड्रॉ कर सकते हो, और सिंगल स्केप करना है। यहाँ पर आपको मैसेज भी आ सकता है अपने प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए, तो आप चाहो तो अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हो यहाँ पर, या फिर कैंसिल कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर रूम ड्रॉ करते हैं टॉयलेट के लिए। तो यहाँ पर मैं इन दो वॉल्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सिंपल हमें इस पॉइंट से ड्रॉ करना है, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट नज़र आ रहा है, इसी पॉइंट से स्पेस करेंगे दूसरी तरफ लेने के लिए। स्पेस से आप फ्लिप कर सकते हो अपने वॉल को, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस ट्रैकिंग लाइन को नहीं लूँगा, कंसिडर करूँगा, मैं अंदाजे इस टाइप में ड्रॉ करूँगा कुछ, तो इस तरह से मैं ड्रॉ कर लूँगा स्केप। तो देख सकते हो यहाँ पर ये मिसमैच हो चुका है, तो मिसमैच को मैच करने के लिए यहाँ पर आपको स्केप करना है, सबसे पहले बाहर आना है, मॉडिफाई पे जाना है आपको। मॉडिफाई पे जाने के बाद यहाँ पर आपको अलाइन ऑप्शन यहाँ पर यूज करना है। अलाइन का इस्तेमाल जनरली हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रेट लाइन में लाने के लिए करते हैं। इसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर इन वॉल्स को ला सकते हो। तो मैं यहाँ पर अलाइन ले लेता हूँ सबसे पहले। अलाइन लेने के बाद मैं इस लाइन पे क्लिक और इस लाइन पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर अलाइन कर लिया है अपने वॉल्स को यहाँ पर। तो फर्स्ट आपको क्लिक करना है फिक्स वॉल पे, जैसा कि ये वॉल यहाँ पर फिक्स है तो इस पे क्लिक करना है, उसके बाद इस पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आप इसे फिक्स कर सकते हो। उसके बाद ये बेडरूम ड्रॉ कर लेते हैं, WA फॉर वॉल, WA। तो यहाँ से मैं फिर से ले लेता हूँ स्पेस प्रेस करके बाहर की तरफ, यहाँ पर स्केप। तो ये रूम हमारे ड्रॉ हो चुके हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर टॉयलेट और बाथ ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं ले लेता हूँ टॉयलेट और बाथ के लिए। यहाँ पर डक्ट थोड़ा सा छोटा हो चुका है, तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद WA फॉर वॉल, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इसके लिए कुछ इस तरह से। इस तरह से हम लोग अंदाजे ड्रॉ करेंगे फिलहाल, बाद में हम लोग सारे डायमेंशन डाल देंगे। यहाँ पर से भी मैं ले लेता हूँ इस बाथ के लिए, इस वॉल को मैं यहाँ से इस तरह से कुछ स्पेस करके यहाँ पर मिसमैच कर देंगे। यहाँ पर हो गया हमारा टॉयलेट और बाथ यहाँ पर अवेलेबल। अब चलिए यहाँ पर रूम्स बनाते हैं हम। तो नीचे का किचन रूम के लिए और पूजा रूम के लिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। तो किचन के लिए ये वॉल हम लोग बनाना पड़ेगा, इस वॉल को। तो मैं यहाँ पर इस वॉल को यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ, और यहाँ पर आपको इस तरह से ले लेना है यहाँ पर कुछ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो वॉल है, ये वाली वॉल इस वॉल के साथ अलाइन है, तो मैं इसे अलाइन कर देता हूँ, AL फॉर अलाइन, AL। इस लाइन पे क्लिक और इस लाइन पे क्लिक, तो इस तरह से आप अलाइन कर सकते हो। सॉरी, बाहर की तरफ नहीं करना है, अंदर की तरफ, ये वाला। तो इस तरह से अलाइन कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग इसकी साइज़ को यहाँ पर चेंज करते हैं। एक और वॉल यहाँ पर बाकी रह गई है, ये वाली वॉल। तो इस वॉल को भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, WA फॉर वॉल, WA, और यहाँ पर
इस वॉल को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर इस वॉल को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इसे तो आप थोड़ा सा ड्रैग करके अंदर ले लीजिए, इसे भी आप अंदर ले सकते हो ड्रैग करके थोड़ा। और यहाँ पर इस वॉल को ड्रॉ करते हैं आप, W A फॉर वॉल, और यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे ये वाली वॉल। परफेक्ट, इस तरह से एक वॉल ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसकी स्पेस को यहाँ पर मेंटेन करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस वॉल में यहाँ पर ओपनिंग है, तो इस ओपनिंग को हम लोग बाद में क्रिएट करेंगे, क्योंकि इस ओपनिंग को आप इजीली स्प्लिट का इस्तेमाल करके कर सकते हो, वॉल को स्प्लिट करके यहाँ पर डिलीट कर देना है। तो मैं SL प्रेस करता हूँ स्प्लिट के लिए, या फिर यहाँ पर मॉडिफायर पैनल पर यहाँ पर आपको स्प्लिट ऑप्शन मिल जाएगा, वॉल को कट कर सकते हो इस तरह से आप, और यहाँ पर बीच का पोर्शन डिलीट कर सकते हो। तो इस तरह से आप स्प्लिट यहाँ पर कर पाओगे। तो चलिए इस प्लान के डायमेंशन को हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रूम जो है 16x13x9। तो मैं हॉरिजॉन्टल स्पेस को यहाँ पर मेंटेन कर लेता हूँ सबसे पहले, तो 13 फीट 9 इंच, 13 फीट 9 इंच मैं यहाँ पर कर देता हूँ इस वॉल को। तो इस वॉल पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर टेम्पररी डायमेंशन आपको मिलेंगे, इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले लेना है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर सेंटर पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, वॉल का सेंटर पॉइंट, यहाँ पर हमें सेंटर पॉइंट नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपको सेटिंग कर लेना है, मैनेज में जाना है, यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स, और यहाँ पर टेम्पररी डायमेंशन सेटिंग, फेस, और यहाँ पर ओपनिंग्स, और यहाँ पर ओके कर देना है। तो आप अब देख सकते हो अब कि ये हमें फेस टू फेस प्रोवाइड कर रहा है, ये डिस्टेंस जो है फेस टू फेस हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसके डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 16 है हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पर मैं 16 डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हो पहले से ही यहाँ पर 16 है, या फिर आप यहाँ पर चेंजेस करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से, तो 16 कर देते हैं। उसी तरह से इस बाथरूम को ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 7 फीट हमने यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद आप इस रूम की साइज़ को एडजस्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर देख सकते हो 17 फीट 9 इंच, तो यहाँ पर 12 फीट का ये बेडरूम है, तो मैं यहाँ पर 12 फीट कर देता हूँ, 12 एंटर। तो ये बेडरूम का साइज़ भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। चलिए इस हॉरिजॉन्टल स्पेस को हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो जैसा कि आप इस हॉल के डिस्टेंस को देख सकते हो, यहाँ पर हॉल जो है ये वॉल 19 फीट 6 इंच पे, तो मैं यहाँ पर इस वॉल को चेंज कर देता हूँ। तो इस वॉल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसे ड्रैग कर देंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। देखिए हमको अब ये डिस्टेंस नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो यहाँ पर कितना आया हुआ है, 19 फीट 4 इंच, 4.5 इंच। तो यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, अलाइन कर लेते हैं। अलाइन के लिए शॉर्टकट है AL, यहाँ पर अलाइन लेंगे, इस लाइन पे क्लिक और इस लाइन पे क्लिक, तो इस तरह से अलाइन कर देंगे। अब चेक करते हैं यहाँ पर, तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर 19 फीट 6 इंच अवेलेबल हो चुका है। तो चलिए और भी यहाँ पर स्पेसेस हम लोग डाल देते हैं इसके लिए, यहाँ पर ड्रैग करके। तो यहाँ पर मैं अब डालने वाला हूँ इस बाथरूम के लिए जो हॉरिजॉन्टल है, 4x4 अवेलेबल है यहाँ पर। यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टली इसे 4 कर देता हूँ, 4 एंटर, और वर्टिकली भी यहाँ पर मैं 4 कर देता हूँ इसके लिए, 4 एंटर। तो यहाँ पर इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। अलाइन करेंगे, AL फॉर अलाइन, इस वॉल पे क्लिक और इस वॉल पे क्लिक, तो यहाँ पर चेंज हो गया। अब इसे हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस इसका, तो यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक टेम्परेरी डायमेंशन अवेलेबल है, तो मैं इसे ड्रैग करूँगा यहाँ से और इस पॉइंट पे यहाँ पर रख दूंगा। तो देख सकते हो यहाँ पर चेंज हो चुका है, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 4 फीट 4 फीट डाल देंगे। तो यहाँ पर सॉरी ये वाला डिस्टेंस हमें एडजस्ट करना है, 4 फीट 4 एंटर। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर बाथरूम के लिए भी 4 फीट डाल दिया है। अब इसे हॉरिजॉन्टली 7 फीट कर देंगे, तो इस पर क्लिक, इसे ड्रैग करेंगे यहाँ से इस पॉइंट पे क्लिक, यहाँ पर 7 फीट, देखिए 7 फीट भी यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट चलिए हम लोग किचन के लिए एडजस्ट करते हैं। तो किचन के लिए मैं यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एडजस्ट कर लेता हूँ। तो वर्टिकल यहाँ पर अगर आप देखते हो इसे ड्रैग करके यहाँ पर इस पॉइंट तक, तो यहाँ पर है यहाँ पर वर्टिकली 14 फीट, मैं यहाँ पर 14 डाल देता हूँ, 14 एंटर, 14 फीट हो चुका है। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल ये डिस्टेंस हम लोग एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है 12 फीट, तो 12 फीट डाल देंगे यहाँ पर, इस पॉइंट को ड्रैग करेंगे यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर 12 फीट डाल देंगे, 12 एंटर। तो 12 होने के बाद यहाँ पर आपको पूजा घर को एडजस्ट कर लेना है। पूजा घर के लिए हम लोग इस वॉल को सिलेक्ट करेंगे, तो
हॉरिजॉन्टली 8 फीट, तो मैं यहाँ पर 8 फीट डाल देता हूँ। 8 फीट आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर हॉल के लिए एडजस्ट करेंगे वर्टिकल गैप, तो यहाँ पर मैं हॉल को भी यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। तो देख सकते हो कि हॉल के लिए 15 फीट 6 इंच यहाँ पर हाइट है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ 15 फीट स्पेस 6। तो 15 स्पेस 6 का मतलब है 15 फीट 6 इंच। यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, यहाँ पर अनजॉइन दिखा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसे अनजॉइन कर लेता हूँ, अनजॉइन। ओके, और यहाँ पर फिर इसे ड्रैग करके आप चाहो तो इसे जॉइंट फिर से कर सकते हो ड्रैग करके। तो यहाँ पर हमारा ये रेडी हो चुका है। थोड़ा सा और यहाँ पर हमें प्लान में डायमेंशन चेक कर लेने हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर डक्ट और यहाँ पर बाथरूम के लिए। यहाँ पर बेडरूम की हाइट यहाँ पर नज़र आ रही है 12, यहाँ पर 13 फीट 9 इंच। तो बेडरूम का यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पॉइंट को ड्रैग करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर 13 फीट 9 इंच, 13 फीट स्पेस 9 एंटर। इसी तरह से इसका भी एडजस्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पर भी 13 फीट 9 इंच है, तो अलाइन कर सकते हो आप, AL फॉर अलाइन, इस लाइन पे क्लिक और इस लाइन पे क्लिक। यहाँ पर हमने इसे भी एडजस्ट कर लिया है। चलिए इस वॉल को एडजस्ट करते हैं यहाँ पर वर्टिकली 10 फीट। तो 10 फीट पे यहाँ पर इस वॉल को हम लोग कर देते हैं 10 एंटर। नेक्स्ट यहाँ पर जो यहाँ पर हमें बाथरूम दिया गया है इसके डायमेंशन को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर पूजा के, तो यहाँ पर मैं पूजा घर के स्पेस को यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। वर्टिकली 7 फीट 3 इंच यहाँ पर 7 फीट का है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके 7 फीट कर लेता हूँ इसे। तो 7 फीट यहाँ पर हो चुका है पूजा घर। तो यहाँ पर हमारा प्लान जनरली यहाँ पर रेडी हो चुका है। चलिए यहाँ पर अब हम लोग ओपनिंग कर देते हैं एंट्री के लिए। तो ओपनिंग करने के लिए यहाँ पर आपको मॉडिफाई पे आना है, उसके बाद यहाँ पर स्प्लिट पे क्लिक कर लेना है। स्प्लिट का इस्तेमाल करके यहाँ पर आप इस तरह से क्लिक करके स्प्लिट कर सकते हो। यहाँ पर मैं 4 फीट का यहाँ पर ओपनिंग क्रिएट कर देता हूँ। बीच के वॉल को डिलीट कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, चेंज भी कर सकते हो डायमेंशन 6 फीट। उसके बाद इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो 6 फीट। इस तरह से भी आप वॉल के डायमेंशन चेंज कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर थोड़े से एक्स्ट्रा वॉल्स यहाँ पर बना लेते हैं। तो WA फॉर वॉल, यहाँ पर इस वॉल को ड्रॉ करेंगे थोड़ा सा 1.5 फीट यहाँ पर, और यहाँ पर आप इस तरह से ले सकते हो कुछ, स्केप कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा वॉल्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने अपने प्लान को ड्रॉ कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें डोर और विंडो फिट करते हैं। तो यहाँ पर मैं डोर के लिए यहाँ पर आर्किटेक्चरल टैब और यहाँ पर डोर पे क्लिक करूँगा। देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत से साइजेस पहले से अवेलेबल हैं। अगर आपको साइज चेंज करनी है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, एडिट टाइप में जाकर चेंजेस कर सकते हो। सबसे पहले आपको डुप्लीकेट कर लेना है, उसका रीनेम कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर हाइट और यहाँ पर विड्थ को सेट कर लेना है। हाइट और विड्थ चेंज कर देना है, आपके डोर की साइज़ यहाँ पर चेंज हो जाएगी। फिलहाल मुझे कोई ज़रूरत नहीं है डोर की साइज़ चेंज करने की, मैं डायरेक्ट यहाँ पर 36 इंच बाय 84 ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पर फिटिंग करूँगा यहाँ पर इस बेडरूम पे। तो डायरेक्ट आप इस तरह से यहाँ पर जा सकते हो और यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। उसी तरह यहाँ पर भी जा सकते हो आप, स्पेस करके फ्लिप करके यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद बीच में यहाँ पर एक टॉयलेट के लिए डोर देना है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ यहाँ पर इस तरह से इस वॉल पे। इस वॉल पे जाने के बाद आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पूजा घर, और यहाँ पर पूजा घर के लिए यहाँ पर डाल देते हैं हम लोग स्पेस। यहाँ पर हम लोग टॉयलेट और बाथ के लिए छोटा डोर यूज़ करेंगे, जनरली 30 बाय 84 यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस तरह से हम लोग स्पेस करके फ्लिप कर सकते हैं। यहाँ पर एक डोर है और यहाँ पर एक डोर फिट किया गया है, तो यहाँ पर भी एक डोर हम लोग फिट कर देंगे। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर भी डोर फिट कर लिया है, स्केप कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग मेन डोर हमें फिट करना है, तो मेन डोर हम यहाँ पर थोड़ा सा साइज़ में बड़ा रखेंगे मेन डोर का, मेन डोर को। तो मेन डोर की साइज़ हम लोग यहाँ पर इस डिज़ाइन में नहीं लेंगे, हम अब दूसरी डिज़ाइन लेंगे। मेन डोर के लिए हम लोग यहाँ पर एक अच्छा सा डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं, जो कि आप यहाँ पर लोड फैमिली का इस्तेमाल करके कर सकते हो। तो सिंगल आपको यहाँ पर लोड फैमिली करना है। लोड फैमिली में जाने के बाद यहाँ पर आपको US इम्पेरियल, US मैट्रिक नज़र आएगा। तो मैट्रिक में जाओगे तो फैमिलीज आपको मिलेंगे रेडीमेड फैमिलीज मीटर यूनिट में, और अगर इम्पेरियल में जाओगे तो आपको
रेडीमेड फैमिलीज मिलेंगे फीट इंचेस में। तो फिलहाल मैंने जो प्लान बनाया है फीट इंचेस में बनाया है, तो यूएस इंपेरियल ले लेता हूँ। तो इसमें सारे रेडीमेड फैमिलीज के फोल्डर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर कॉलम्स है रेडीमेड, यहाँ पर आपको फर्नीचर्स रेडीमेड, डोर रेडीमेड, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, लाइटिंग्स और भी बहुत कुछ यहाँ पर कॉलम्स है, प्लांटिंग्स हैं, बहुत सारे रेलिंग्स है यहाँ पर रेडीमेड, यहाँ पर आपको टाइटल ब्लॉक्स रेडीमेड मिलेंगे, विंडोज़ रेडीमेड मिलेंगे, ऐसे बहुत सी चीज़ें यहाँ पर रेडीमेड अवेलेबल है। तो यहाँ से आप लोड कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। तो मैं यहाँ पर डोर्स में जाता हूँ, डोर्स में जाने के बाद देख सकते हो यहाँ पर ग्लास डोर्स अवेलेबल है, शटर्स अवेलेबल है, मगर मुझे फ़िलहाल रेसिडेंशियल डोर्स चाहिए, तो मैं रेसिडेंशियल के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पर अलग अलग ग्लास टाइप के डोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी डोर आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं मेन डोर के लिए इस डोर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और चाहिए तो आप इसे भी लोड कर सकते हो, पैनल साइड पैनल्स हैं। तो यहाँ पर मैं इस डोर को सिलेक्ट करके यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब आपके पास यहाँ पर स्पेसिफाइड टाइप, तो यहाँ पर आपको साइज सिलेक्ट करनी है कि कौन से साइज का डोर आपको यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग मिनिमम साइज सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर विड्थ ले लेते हैं 5 फीट और 7, यहाँ पर 5 फीट और 7 फीट की यहाँ पर हाइट। तो इस टाइप को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 5x7, और यहाँ पर ओके प्रेस कर देता हूँ। अब लोड होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे फैमिली अवेलेबल हो चुकी है, डोर एक्सटीरियर वॉल है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जाइए, तो इस तरह से आप यहाँ पर जाके डोर को फिट कर सकते हो। मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ इस तरह से, या फिर आप बीच में भी ले सकते हो, साइड पैनल्स का इस्तेमाल करना है अगर आपको, तो मैं यहाँ पर बीच में ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। स्किप करेंगे यहाँ पर, और भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे मूव कर लेता हूँ आगे की तरफ, और मैं यहाँ पर साइड पैनल्स भी लोड कर लेता हूँ। डोर यहाँ पर लोड फैमिली, यहाँ पर इस पैनल को मैं लोड कर लेता हूँ ओपन। यहाँ पर साइज़ लेंगे हम लोग कुछ 7 फीट, और यहाँ पर 1 फीट बाय 7 फीट, और यहाँ पर साइड में हम लोग यहाँ पर फिट कर देंगे कुछ इस तरह से। क्लिक करना है सिर्फ आपको यहाँ पर, और यहाँ पर भी फिट कर देंगे। तो इस तरह से साइड पैनल्स आप बिठा सकते हो। अगर इसे आप 3D में देखोगे, फिर भी आप यहाँ पर क्लिक कीजिए 3D में, तो आपको इसका 3D नज़र आएगा। तो देख सकते हो हमारा प्लान 3D में भी रेडी हो चुका है। प्लान 3D में भी कोई भी एलिवेशन देखना है, ईस्ट एलिवेशन, नॉर्थ एलिवेशन, साउथ और वेस्ट एलिवेशन, सारे एलिवेशन अवेलेबल हैं। चलिए वापस हम लोग प्लान में जाते हैं। प्लान में जाने के लिए आपको यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे डबल क्लिक करना है, तो यहाँ पर हम वापस अपने प्लान में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग अब सारे विंडोज़ को यहाँ पर फिट कर लेते हैं। तो चलिए विंडोज़ में जाते हैं। यहाँ पर विंडोज़ में जाने के बाद यहाँ पर बहुत से टाइप के विंडोज़ अवेलेबल है, मगर मुझे यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो फिट करना है। तो स्लाइडिंग विंडो फिट करने के लिए यहाँ पर आपको लोड फैमिली फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो फैमिलीज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उसे आप लोड फैमिली का इस्तेमाल करके अपने प्रोजेक्ट में लोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लोड फैमिली पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैक चला जाऊँगा यहाँ पर बैक, या फिर आप यहाँ से जा सकते हो US Imperial पे, यहाँ से US Imperial, और यहाँ पर ड्रैग करेंगे। लास्ट में आपको यहाँ पर विंडोज़ की एक फोल्डर नज़र आएगी। विंडोज़ पे जाएंगे और यहाँ पर अलग अलग टाइप के विंडोज़ अवेलेबल हैं। आप चाहो तो इसका व्यू देख सकते हो, देखिए अलग अलग के ग्लास टाइप के विंडोज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो कोई भी विंडो आप अपने प्लान के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक स्लाइडिंग विंडो, जो कि लास्ट में यहाँ पर अवेलेबल है। देख सकते हो विंडो स्लाइडिंग डबल डबल पैनल और 4 पैनल के भी अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो मैं डबल पैनल ले लेता हूँ, ओपन करते हैं इसे, और यहाँ पर अलग अलग साइज़ हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो विंडो को यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर साइज़ ले लीजिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सबसे पहले 5x3 ले लेता हूँ यहाँ पर, 5x3, वेयर इज़ 5x3, तो 5x3 एक ये। कंट्रोल प्रेस करेंगे यहाँ पर, 4x4 ले लेते हैं, कंट्रोल प्रेस करके 4x4, 5x4 और यहाँ पर 6x4 ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 टाइप कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर चारों टाइप सेलेक्ट कर लिए हैं, और यहाँ पर ओके प्रेस करना है। तो ओके प्रेस करने के बाद आपके सारे फैमिलीज यहाँ पर लिस्ट में आपको ऐड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो विंडो स्लाइडिंग डबल, ये सारे विंडोज़ यहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं। तो आपको इन विंडोज़ पे क्लिक करना है और फिट करना है। सबसे पहले मैं किचन के लिए फिट कर देता हूँ, तो 60x36 ले लेते हैं यहाँ पर, 60x36 विंडो के लिए यहाँ पर किचन के लिए। तो मैं यहाँ पर किचन पे जाता हूँ। याद रखना है कि विंडो को यहाँ पर आपको फिट करते वक्त
ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ रखना है, नीचे की तरफ रखिए, ऊपर नहीं रखना है नीचे की तरफ, और सेंटर भी आपको यहाँ पर देखना है, तो सेंटर यहाँ पर 6 फीट पे आ रहा है, तो क्लिक करके यहाँ पर मैं फिट कर देता हूँ। अगर आपको इस साइड में भी चाहिए तो इस साइड में भी फिट कर देते हैं, एक विंडो यहाँ पर भी मैंने फिट कर लिया है, स्किप कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर दूसरी तरफ भी फिट कर लेते हैं, यहाँ पर 48 बाय 48, यहाँ पर मैं यहाँ पर किचन के लिए ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं बेडरूम के लिए ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, यहाँ पर रख देते हैं इसे, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, और बेडरूम के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, यहाँ पर 48 60 बाय 48, और यहाँ पर फिट कर देते हैं 60 बाय 48 का डोर, 8 बाय 8, यहाँ पर भी एक डोर विंडो फिट कर देते हैं, सॉरी विंडो यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक 6 बाय 6, और यहाँ पर भी इक्वल देखना है आपको यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक फिट कर देते हैं। हॉल के लिए थोड़ा सा बड़ा विंडो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 72 बाय 48, तो यहाँ पर मैं फिट कर देता हूँ इसे सेंटर पे, तो ये आ गया सेंटर, क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर भी एक फिट हो गया है। साइड में अगर आप चाहो तो ये छोटे पैनल्स लगा सकते हो, फिक्स टाइप के ग्लास विंडो, इससे आपके प्लान को थोड़ा सा लुक मिलेगा, तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ 48 16 बाय 40 72, मैं 24 बाय 72 यहाँ पर ले लेता हूँ, 24 बाय 72 यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, और एक यहाँ पर भी विंडो लगा लेते हैं, तो आप देख सकते हो दो विंडोज़ मैंने यहाँ पर फिट कर लिए हैं। यहाँ पर भी आप पूजा घर में भी इस टाइप के विंडोज़ लगा सकते हो, तो मैं यहाँ पर भी फिट कर देता हूँ एक, और यहाँ पर दो विंडोज़ यहाँ पर फिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर वेंटिलेटर्स के लिए आप यहाँ पर इस टाइप के विंडो ले सकते हो, यहाँ पर पहले से ही दिए हुए हैं विंडो डबल हंच टाइप के यहाँ पर, तो इस विंडो को आप इस्तेमाल कर सकते हो, मगर इसे आपको विंडो की साइज़ को थोड़ा चेंज करना होगा, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर लेता हूँ, सिलेक्ट करते हैं, एडिट टाइप में जाते हैं, यहाँ पर डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पर रीनेम्ड कर देते हैं इसका, तो मैं 42 यहाँ पर नहीं रखूँगा, इसे मैं यहाँ पर रखूँगा 30 इंचेस, ओके, तो यहाँ पर 30 इंच यहाँ पर विड्थ और हाइट यहाँ पर रख देंगे 30 इंच, तो 30 यहाँ पर, या फिर आप यहाँ पर 2 फीट स्पेस 6 इंच, 2 स्पेस 6 सिर्फ डालना है, ओके कर देना है, और यहाँ पर आप इस विंडो पे यहाँ पर क्लिक करके फिट कर सकते हो, तो देखिए 2 फीट पे यहाँ पर, इस तरह यहाँ पर भी फिट कर लीजिए 2 फीट 1 फीट, देखिए यहाँ पर मैंने दोनों यहाँ पर फिट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आप यहाँ पर 3D में जाते हो या फिर और इसे ऑर्बिट करके देखते हो, तो हमारा प्लान यहाँ पर रेडी हो रहा है, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा वेंटिलेटर्स है यहाँ पर, इसकी सील हाइट आप यहाँ से चेक कर सकते हो, तो देख सकते हो यहाँ पर सील हाइट, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर सील हाइट नज़र आएगी, तो 3 फीट की सील हाइट है, इसे हम लोग यहाँ पर 4 फीट कर देते हैं, 4 फीट की सील हाइट, और यहाँ पर भी हम लोग 4 फीट कर देते हैं, और यहाँ पर जो किचन के दो विंडोज़ हैं इनके भी हम लोग कंट्रोल दोनों सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल प्रेस करके, और इसके भी हम लोग 4 फीट कर देते हैं, 4 एंटर, तो यहाँ पर ये भी हमारे चेंज हो गए। याद रखिए कोई भी विंडो की सील हाइट आप यहाँ पर चेंज करोगे, 5 फीट करोगे, एंटर करोगे तो चेंज नहीं होगा, अगर आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तब जाके इस पे चेंजेस अप्लाई होंगे, तो अप्लाई कीजिए या फिर अपने कर्सर को यहाँ पर डिस्प्ले पर लेके आ जाइए, तो अप्लाई या फिर डिस्प्ले पे आपको कर्सर लेके आना है, तभी आपको चेंजेस नजर आएंगे, तो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ अगेन 4 फीट, तो यहाँ पर मैं साइड पे लाता हूँ कर्सर, तो यहाँ पर आपके चेंजेस आपको नजर आएंगे, आप चाहो तो यहाँ पर रियलिस्टिक व्यू में देख सकते हो इसे, यहाँ से आप क्लिक करके रियलिस्टिक कर लीजिए, तो देखिए हमारा प्लान यहाँ पर रेडी हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे वापस चला जाता हूँ मैं, तो यहाँ पर हमें अब सारे रूम्स के यहाँ पर नाम डालने हैं, तो नाम डालने के लिए रेविट में एक स्पेशल ऑप्शन दिया हुआ है रूम्स, तो रूम्स का इस्तेमाल करके जनरली आप सारे रूम्स को यहाँ पर टैग कर सकते हो या फिर रूम के नाम डाल सकते हो, तो आप टेक्स्ट का इस्तेमाल मत कीजिए यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट का इस्तेमाल करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इसमें आपको रूम्स डालने हैं, रूम के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आप रूम्स का इस्तेमाल करके रूम के एरिया को शो कर सकते हो या फिर रूम्स में कलर फिल कर सकते हो अलग अलग, तो इस तरह के बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं रूम्स का इस्तेमाल करने पर, तो मैं यहाँ पर रूम्स पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपको नॉर्मली इस पे जाना है इस तरह से कुछ, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है रूम्स पे सेंटर पे, इस तरह से बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा, याद रखिए यहाँ पर टैग ऑन प्लेसमेंट ऑन होना चाहिए, क्लिक करके ऑन कर लीजिए, इस तरह से ऑफ हो जाता है, इस तरह से ऑन कर लेना है, और सारे रूम पे इस तरह से एक एक आपको क्लिक कर देना है,
यहाँ पर मैं सारे रूम्स पे क्लिक कर देता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पर बाउंड्री थी, यहाँ पर रूम यहाँ पर ओपन रहने की वजह से यहाँ पर भी आ गया है। तो इसे चेंज करेंगे हम थोड़ी देर में। तो इसे डाल लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। और यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर एक पार्टीशन लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी इस रूम को और इस रूम को डिवाइड करने के लिए। तो दोनों रूम को डिवाइड करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि रूम सेपरेटर अवेलेबल है। यहाँ पर आपको रूम सेपरेटर पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है सिंपल सेंटर टू सेंटर। तो होगा क्या कि ये रूम अब अलग है, इसका टैग अलग और इसका टैग अलग। तो यहाँ पर मैं और सेपरेटर डाल देता हूँ यहाँ पर इस पॉइंट से सेंटर टू सेंटर। तो सेंटर टू सेंटर यहाँ पर हम लोग एक और लाइन डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं रूम टैग यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर पैसेज के लिए यहाँ पर भी एक टैग अवेलेबल कर देते हैं। यहाँ पर भी मैं यहाँ पर एक टैग दे दूंगा क्लिक करके। तो सारे टैग्स मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, स्केप कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हो सारे रूम्स के यहाँ पर मैंने टैग डाल दिए हैं। अब करना क्या है कि आपको यहाँ पर स्केल थोड़ा सा कम कर लेना है, जिससे ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर जो बड़े बड़े नज़र आए हैं टेक्स्ट, उनकी साइज़ थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसकी साइज़ को रिड्यूस, तो 3x16 यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए साइज कम हो गई। अब हम इसे रीनेम कर सकते हैं, तो चलिए रीनेम कर देते हैं डबल क्लिक। तो यहाँ पर मैं लिविंग रूम डाल देता हूँ, लिविंग लिविंग रूम साइड पे क्लिक करना है और यहाँ पर पूजा डाल देते हैं साइड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर किचन डाल देते हैं साइड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बाथ डाल देना है, बाथ साइड पे क्लिक। यहाँ पर WC डाल देते हैं, सॉरी यहाँ पर ये एडिट हो गया, यहाँ पर कट कर देते हैं नो। इसे हम लोग यहाँ पर WC W.C वाटर क्लोजेट। और यहाँ पर पैसेज के लिए यहाँ पर पैसेज साइड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर बेडरूम अगेन साइड पे क्लिक और बीच का जो है यहाँ पर टॉयलेट कर देते हैं साइड पे क्लिक। यहाँ पर भी बेडरूम कर देंगे साइड पे क्लिक। तो देखिए मैंने सारे रूम्स के यहाँ पर रीनेम कर दिए हैं। तो चलिए अब हम अपने प्लान में फर्नीचर अप्लाई करते हैं। तो फर्नीचर के लिए आपको ये ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर, प्लेस ए कंपोनेंट। इसका इस्तेमाल करके आप अपने प्लान में फर्नीचर यहाँ पर डाल सकते हो। तो फर्नीचर प्लान बनाने के लिए मैं करता क्या हूँ कि हमारा जो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर का प्लान अवेलेबल है, इसकी एक डुप्लीकेट तैयार कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर डुप्लीकेट व्यू और यहाँ पर डुप्लीकेट विथ डिटेलिंग। तो अगर आप डुप्लीकेट विथ डिटेलिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक डुप्लीकेट प्लान यहाँ पर रेडी हो चुका है ग्राउंड फ्लोर का। तो ग्राउंड फ्लोर का यहाँ पर डुप्लीकेट थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। तो कैसा है कि इसमें हम लोग अपने फर्नीचर्स को नहीं दिखाएंगे, हम लोग सिर्फ इस प्लान में हम लोग अपने फर्नीचर्स को शो करेंगे। तो इसलिए मैंने इसका डुप्लीकेट तैयार किया है, राइट क्लिक करके यहाँ पर रीनेम कर देंगे और रीनेम करके यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर और यहाँ पर फर्नीचर नाम डाल देंगे फर्नीचर। यहां पर मैं डिलीट कर देता हूं फर्नीचर और साइड में क्लिक करेंगे। तो देखिए फर्नीचर प्लान भी यहां पर रेडी हो चुका है हमारा। तो यहां पर इस प्लान में हम लोग अब इसे फर्नीचर प्लेस करने वाले हैं। तो फर्नीचर को प्लेस करने के लिए आप यहां पर प्लेस ए कंपोनेंट में जाइए। प्लेस ए कंपोनेंट में जाने के बाद कुछ रेडीमेड यहां पर पहले से ही मिलेंगे आपको कंपोनेंट्स, और इन कंपोनेंट्स को नहीं इस्तेमाल करना है। आपको यहाँ पर लोड फैमिली पे जाना है। लोड फैमिली में जाने के बाद आपको यहाँ पे बैक आना है US इम्पीरियल पे और यहाँ पर फर्नीचर पे यहाँ पर डबल क्लिक करना है फर्नीचर के लिए। यहाँ पर देखिए बेड्स, यहाँ पर सिटिंग, स्टोरेज, टेबल, टीवी, सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आपको डबल क्लिक करके बेड पे जाना है। यहाँ पर आप बेड ले लीजिए। ओके तो यहाँ पर बेड देखिए लोड हो चुका है। यहाँ पर मैं कैंसिल कर देता हूँ, सेव नहीं करना है। देखिए यहाँ पर लोड हो चुका है। अलग अलग टाइप का बेड यहाँ पर अलग अलग साइज़ में अवेलेबल है। आप चाहो तो एडिट टाइप करके इसकी साइज़ को चेंज कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर डबल बेड ले लेता हूँ और यहाँ पर आप जा सकते हो। आप स्पेस बार करके अपने फर्नीचर की ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हो स्पेस बार से। और यहाँ पर अगर आपको फिट करना है तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा ले लेते हैं बेड हम। तो यहाँ पर इस तरह से, सॉरी ये छोटा हो गया, क्वीन बेड। तो यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर फिट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर भी एक फिट कर लेंगे कुछ इस तरह से क्लिक करके। हमने बेड तो फिट कर लिया है, स्केप कर देंगे यहाँ पर। चलिए कुछ स्टोरेज के लिए ले लेते हैं यहाँ पर। तो
तो मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ, यहाँ पर फर्नीचर पे, और यहाँ पर स्टोरेज के लिए कोई कबर्ड्स वगैरह ले लेते हैं। तो यहाँ पर ओपन करते हैं स्पेस, तो कुछ इस तरह से आप फर्नीचर यहाँ पर लगा सकते हो सिंपल क्लिक करके। और फिर यहाँ पर आप स्केप कर दीजिए, और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर लोड फैमिली पे जाता हूँ, और कुछ इस टाइप के फर्नीचर्स को भी लोड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ यहाँ पर, और इसके लिए भी यहाँ पर हम लोग रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने कबर्ड्स भी फिट कर लिए हैं, स्किप कर देते हैं। और भी फर्नीचर्स हमें लोड करना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर फिर से बैक आ जाता हूँ, फर्नीचर्स पर टेबल्स ले लेते हैं, कुछ टेबल्स यहाँ पर इस टाइप के टेबल्स ले लेते हैं, ओवरराइट यहाँ पर कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग फिट कर देते हैं टेबल्स। तो इस तरह से आप अलग अलग टाइप में अपने फर्नीचर को यहाँ पर फिट कर सकते हो। फिर से लोड करते हैं अलग फैमिली, यहाँ पर डाइनिंग टेबल के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल है यहाँ पर फर्नीचर, तो डाइनिंग टेबल यहाँ पर ले लेते हैं इस साइड पे। तो इस साइड पे आप क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने डाइनिंग टेबल भी फिट कर लिया है। उसी तरह से हम यहाँ पर टॉयलेट और बाथ के लिए भी कमोड वगैरह ले सकते हैं, सोफ़ा वगैरह ले सकते हैं। फिर से मैं सोफ़ा ले लेता हूँ यहाँ पर। तो सोफ़ा के लिए आपको फर्नीचर पे जाना है, यहाँ पर सिटिंग पे यहाँ पर सोफ़ा अवेलेबल है, देख सकते हो सिंगल और डबल। यहाँ पर दोनों में ले लेता हूँ सिलेक्ट करके, ओके करते हैं। तो मैं फास्ट में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सारे आपको मैंने बता दिया है पहले ही, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है पहले ही ये सब। तो इस तरह से आप सोफ़ा भी यहाँ पर लोड कर सकते हो, स्पेस करके आप रोटेट कर सकते हो। अगर बाद में भी आपको एरो से अपने कीबोर्ड के एरोस का इस्तेमाल करके भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। सेंटर टेबल यहाँ पर रख लेते हैं, सेंटर टेबल देखते हैं सेंटर टेबल कहाँ पर है। फर्नीचर्स में यहाँ पर टेबल्स, और यहाँ पर देखिए अलग अलग टाइप के टेबल्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक टेबल ले लेता हूँ, ये वाला लेते हैं, यहाँ पर मैं रख देता हूँ इसे, यहाँ पर आ गया। अब कमोड लेते हैं यहाँ पर लोड फैमिली, फर्नीचर, फर्नीचर में नहीं जाना है। तो फर्नीचर की जगह आपको कमोड लेने के लिए आपको यहाँ पर प्लम्बिंग में जाना होगा, प्लम्बिंग, प्लम्बिंग में यहाँ पर आर्किटेक्चरल, फिक्सचर, फिक्सचर के बाद यहाँ पर वाटर क्लोजेट। तो यहाँ पर देखिए WC अवेलेबल है, ओपन कीजिए यहाँ पर। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियो आप बार बार देखिए, कम से कम 2 से 3 बार देखिए, तभी आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पर याद होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप सिंक बिठा सकते हो, सिंक चाहिए तो यहाँ पर आप लोड कर लीजिए। तो सिंक और वॉश बेसिन के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ US इम्पेरियल। यहाँ पर आप प्लम्बिंग में जा सकते हो, प्लम्बिंग में आर्किटेक्चरल, फिक्सचर, और यहाँ पर देख सकते हो बाथटब अवेलेबल है, शावर अवेलेबल है, यहाँ पर वाटर क्लोजेट है, यहाँ पर सिंक भी अवेलेबल है। तो आप इस तरह से सिंक भी ले सकते हो, यहाँ पर सिंक ले लीजिए ओपन। तो यहाँ पर आप किचन में फिट कर सकते हो अपने सिंक को। स्किप करते हैं, और भी एक वॉश बेसिन के लिए ले लेते हैं कोई भी। तो यहाँ पर मैं वॉश बेसिन के लिए यहाँ पर बिठा देता हूँ, स्किप, कुछ इस तरह से। किचन के यहाँ पर आपको किचन ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर आप एनोटेट में जाके डिटेल लाइन का इस्तेमाल करके किचन की लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। तो डिटेल लाइन में लेता हूँ, यहाँ से आपको जो ड्रॉ करना है वो ले लीजिए, लाइन ड्रॉ करना है मुझे, तो यहाँ से सिंगल सिंपल आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो सिंपल। तो इस तरह से आप किचन यहाँ पर बना सकते हो। तो देख सकते हो मैंने किचन भी यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर इस टेक्स्ट को थोड़ा सा मूव भी कर सकते हो, क्लिक करने के बाद इस तरह से मूव कर सकते हो। इस तरह से आप सारे नाम दिखने चाहिए आपको। तो ये हमने अपने फर्नीचर को फिट कर लिया है अपने फर्नीचर प्लान के डॉक्यूमेंट में। अगर आप फ्लोर प्लान पे जाओगे फिर भी आपको यहाँ पर फर्नीचर नजर आएगा, तो आप क्या कीजिए कि इस फर्नीचर को यहाँ पर हाइड कर दीजिए। तो सिलेक्ट करिए एक फर्नीचर, राइट क्लिक, हाइड इन व्यू, और यहाँ पर आप हाइड इन व्यू बाद यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप एलिमेंट करेंगे तो सिर्फ एक फर्नीचर यहाँ पर हाइड होगा, कैटेगरी करेंगे तो सारे फर्नीचर्स आपके यहाँ पर प्लान से हाइड हो जाएंगे। उसी तरह से आपको इस प्लम्बिंग को भी हाइड कर देना है, प्लम्बिंग,
हाइड बाय कैटेगरी, ये सारे प्लम्बिंग के फिक्स्चर्स यहाँ पर हाइड हो गए हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे ग्राउंड फ्लोर के प्लान में कोई भी यहाँ पर फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर प्लान में हमारे सारे फर्नीचर्स अवेलेबल हैं। तो ग्राउंड फ्लोर में हम लोग थोड़े डायमेंशन अवेलेबल करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग एनोटेड में जाएंगे, यहाँ पर अलाइन ले सकते हो आप अलाइन, और अलाइन लेने के बाद यहाँ पर आपको वॉल सेंटर लाइन की जगह यहाँ पर वॉल फेसेस को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम लोग जो डायमेंशन डालने वाले हैं वो फेस टू फेस डालने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पर सेंटर लाइन रखेंगे तो यहाँ पर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आएगा। तो अगर आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चाहिए तो आप इस तरह से क्लिक कीजिए, क्लिक यहाँ पर, क्लिक फिर यहाँ पर, क्लिक और यहाँ पर क्लिक, तो वॉल के सेंटर टू सेंटर आपको डिस्टेंस यहाँ पर मिल जाएगा इजीली, सेंटर टू सेंटर। तो इस तरह से आप रख सकते हो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर भी मैं अवेलेबल कर देता हूँ इस डायमेंशन को। तो आप देख सकते हो कि मैंने डायमेंशन डाल दिए हैं। अगर आपको रूम के डायमेंशन दिखाने हैं तो आपको यहाँ पर वॉल फेसेस सेलेक्ट करना होगा, वॉल फेसेस, और उसके बाद फेस टू फेस आप डायमेंशन यहाँ पर डाल पाएंगे, फेस टू फेस, देखिए कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप सारे डायमेंशन अपने प्लान में प्लेस कर पाएंगे। चलिए फास्टली मैं सारे डायमेंशन यहाँ पर डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारे डायमेंशन यहाँ पर अप्लाई कर दिए हैं, यहाँ पर एक बाकी रह गया है, तो इसके भी डायमेंशन हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। तो देख सकते हो सारे डायमेंशन मैंने यहाँ पर कर दिए हैं अपने ग्राउंड फ्लोर के प्लान में, फर्नीचर प्लान में हमारे सारे फर्नीचर्स अवेलेबल हैं। तो चलिए अब हम इसे 3D में देखते हैं। 3D आप यहाँ से भी जा सकते हो, देखिए यहाँ पर 3D व्यूज़, डबल क्लिक करना है इस पर तो आपको 3D व्यू नज़र आएगा अपने प्लान का। तो आप देख सकते हो सारे फर्नीचर्स 2D प्लस 3D में यहाँ पर आ चुके हैं। तो रेविट में जो कुछ भी आप यहां पर डालेंगे वो 2D प्लस 3D दोनों में तैयार होता है। तो इस तरह से देखिए यहां पर कबर्ड थोड़ा सा उल्टा हो चुका है, ये डिलीट कर देंगे एक कबर्ड को, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आप प्लान को ड्रॉ कर सकते हो। चलिए फिर से हम लोग ग्राउंड फ्लोर में जाते हैं। तो जैसा कि हमने 3D में अभी देखा कि यहाँ पर कोई भी फ्लोर नीचे अवेलेबल नहीं है, तो चलिए इसका हम लोग एक फ्लोर डाल देते हैं नीचे की तरफ और एक फ्लोर ऊपर की तरफ। तो फ्लोर के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर आर्किटेक्चरल टैब में आपको यहाँ पर फ्लोर ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसका इस्तेमाल करके फ्लोर को ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए फ्लोर का इस्तेमाल करके इसके फ्लोर को ड्रॉ करते हैं। तो मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर जाऊँगा सबसे पहले, क्योंकि फ्लोर हमें अपने ग्राउंड फ्लोर पर ड्रॉ करना है। तो फ्लोर पर जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर फ्लोर पे क्लिक करना है। फ्लोर पे क्लिक कर लीजिए, उसके बाद आपको यहां पर अलग अलग शेप मिलेंगे यहां पर ड्रॉ करने के लिए, यहां पर फिनिश और यहां पर कैंसिल भी मिलेगा। आप अपने फ्लोर को ड्रॉ करने के बाद यहां पर फिनिश कर दीजिए या फिर कैंसिल कर सकते हो। अगर आप फिनिश नहीं करेंगे तो आप यहां पर कोई भी दूसरे ऑप्शन को यहां पर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। देखिए तो यहां पर आपको फिनिश कर देना है। तो यहां पर आप इसकी थिकनेस भी सिलेक्ट कर सकते हो फ्लोर की, यहां पर नीचे की तरफ, तो यहाँ पर 12 इंच है, तो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ फ्लोर की थिकनेस को। एडिट टाइप, एडिट टाइप के बाद यहाँ पर डुप्लीकेट, डुप्लीकेट में यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, मैं यहाँ पर फिलहाल 6 इंच का फ्लोर नहीं रखने वाला हूँ, डायरेक्ट मैं प्लिंथ ड्रॉ करने वाला हूँ यहाँ पर, प्लिंथ, और प्लिंथ को यहाँ पर मैं ड्रॉ करने वाला हूँ 24 इंच का, मतलब 2 फिट का। तो मैंने यहाँ पर जो प्लिंथ रखा है उसका मैंने यहाँ पर डाल दिया है 24 इंच। ओके करते हैं। अब आपको स्ट्रक्चर में जाना है, एडिट, सेम वॉल की तरह एडिट में जाएंगे और यहाँ पर थिकनेस कर देंगे 2 फीट। तो 2 फीट, ओके ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्लिंथ यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर लाइन लेना है और लाइन लेने के बाद आपको यहाँ पर प्लिंथ को ड्रॉ कर लेना है यहाँ से। तो आप सिंपल यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर सकते हो। तो सिंपल आपको इन कॉर्नर्स पे क्लिक करना है एक्यूरेटली, तो इस तरह से आप बाउंड्री ड्रॉ कर लीजिए अपने प्लान की। तो सारी बाउंड्री यहाँ पर क्लोज करना है आपको, जिस तरह से आप अपने ऑटोकैड में पॉलीलाइन को ड्रॉ करते हो। तो देखिए मैंने अपने बाउंड्री को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है जितने में मैं प्लिंथ रखने वाला हूँ, और आपको यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करना है। याद रखिए बाउंड्री ड्रॉ होने के बाद फिनिश पे क्लिक कीजिए। तो अगर आपने कोई भी इस तरह का ओपन प्रोफाइल बनाया है तो फिनिश नहीं होगा, यहाँ पर एरर आएंगे। तो यहाँ पर दिखा रहा है लाइन मस्ट बी इन क्लोज्ड लूप,
तो यहाँ पर क्लोज लूप में चाहिए, ये ओपन लूप है, तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ और इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। ओके कर देते हैं, यहाँ पर ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर फ्लोर यहाँ पर ड्रॉ हो गया है। आप यहाँ पर 3D में देख सकते हो इस फ्लोर को, तो देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये नीचे की तरफ ये जो प्लिंथ था उतना यहाँ पर फ्लोर अवेलेबल हो गया है। यहाँ पर अगर एलिवेशन में देखते हैं तब भी आपको यहाँ पर प्लिंथ नज़र आएगा। देखिए ये जो हमारा फ्लोर है ये प्लिंथ में हमने कन्वर्ट कर लिया है, तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर पाएंगे। चलिए 3D में वापस जाते हैं हम लोग, तो नीचे का प्लिंथ तो हमने ड्रॉ कर लिया है, चलिए अब हम लोग इसका पोर्च ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पोर्च एक बड़ा सा पोर्च यहाँ पर अवेलेबल है, तो चलिए हम लोग पोर्च भी यहाँ पर बना लेते हैं। तो पोर्च बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो फर्स्ट फ्लोर में हम लोग पोर्च बनाएंगे। फर्स्ट फ्लोर पे आपको देखिए यहाँ पर फेंट में अपने प्लान नज़र आएंगे, तो आपका प्लान जो है यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पर नज़र आ रहा है फेंट में रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर हम लोग फिर से फ्लोर लेंगे, यहाँ पर फ्लोर लेने के बाद यहाँ पर एक लाइन लेंगे, लाइन लेने के बाद हम लोग यहाँ पर पोर्च के लाइंस को ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप पोर्च को ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर आपको बाउंड्री ड्रॉ करना है अपने पोर्च की और यहाँ पर फिनिश कर देना है। यहाँ पर भी एक पोर्च हो जाएगा, यहाँ पर आपको सिंपली नो कर देना है फिलहाल के लिए और इस यहाँ पर 3D में देखना है। अब देख सकते हो यहाँ पर प्लिंथ की साइज़ यहाँ पर आ गई है, बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा साइज़ है। यहाँ पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो इसकी साइज़ को, 12 इंच या फिर इससे भी कम आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल 12 इंच रख देता हूँ, मगर मुझे यहाँ पर पोर्च जो है वो नीचे चाहिए था, इतने ऊपर नहीं चाहिए, तो मैं इसे यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं इसका हाइट ऑफसेट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर हाइट ऑफसेट अवेलेबल है, हाइट ऑफसेट फ्रॉम लेवल, मतलब लेवल से आपको कितना ऊपर और कितना नीचे चाहिए। तो मुझे यहाँ पर नीचे चाहिए जिससे मैं माइनस में यहाँ पर डालने वाला हूँ, माइनस में यहाँ पर मुझे 2 फीट चाहिए, 2 फीट एंटर। तो देखिए यहाँ पर माइनस में 2 फीट पर यहाँ पर हमारा पोर्च चला गया है। तो इस तरह से आप पोर्च यहाँ पर डाल सकते हो ईजिली। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग ऊपर के फ्लोर को ड्रॉ करते हैं। तो ऊपर के फ्लोर को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में जाता हूँ मैं, तो फर्स्ट फ्लोर में इसकी बाउंड्री को ड्रॉ करते हैं टेरेस के लिए। तो यहाँ पर मैं फ्लोर पे वापस जाऊँगा, यहाँ पर लाइन लेंगे और यहाँ पर मैं इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। याद रखिए इसकी थिकनेस हम लोग 6 इंच रखने वाले हैं, तो इसकी थिकनेस को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। इन सारे बाउंड्रीज को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर मैं इसकी थिकनेस को चेंज करने वाला हूँ, एडिट टाइप डुप्लीकेट, तो यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ स्लैब, यहाँ पर 6 इंच, ओके एडिट करेंगे और यहाँ पर भी 6 इंच डाल देंगे, एंटर, ओके ओके। तो यहाँ पर हमारी जो फिनिश करने के बाद जो थिकनेस आएगी, अब यहाँ पर आपको यस करना है, वुड यू लाइक टू फ्लोर दैट गो अप टू दिस फ्लोर लेवल टू अटैच दिस बॉटम। इससे क्या होगा कि हमारे जो फ्लोर, हमारे जो वॉल्स हैं वो फ्लोर के बॉटम पे अटैच हो जाएंगे, तो यस कर देना है आपको यहाँ पर। और यहाँ पर आपको 3D में देख लेना है, तो देखिए यहाँ पर हमारे जो वॉल्स हैं यहाँ पर वो हमारे फ्लोर के बॉटम पे अटैच हो चुके हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो अपने प्लान को। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंसिस्टेंट कलर में देखता हूँ, थोड़ा क्लियर नज़र आएगा। देखिए मैंने अपने यहाँ पर क्लोज कर लिया है अपने फ्लोर को। अब आप चाहो तो इसमें कोई भी रेलिंग प्रोवाइड कर सकते हो, यहाँ पर बाउंड्री में रेलिंग्स या फिर पैरापेट वॉल प्रोवाइड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि पैरापेट और रेलिंग को कैसे ड्रॉ करना है। तो पैरापेट के लिए आप यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हो, पैरापेट के फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पर, और यहाँ पर पैरापेट वॉल के लिए वॉल लेना है, यहाँ पर 6 इंच सिलेक्ट करना है, अनकनेक्टेड रखना है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हाइट को 3 फीट रखने वाले हैं, तो अनकनेक्टेड रखिए। अगर फर्स्ट फ्लोर पर रखेंगे तो वो हाइट ज़्यादा आ जाएगी, तो यहाँ पर मैं अनकनेक्टेड रख लेता हूँ और यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल एक्सटीरियर ले लेता हूँ, एक्सटीरियर फिनिश फेस एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पॉइंट देके मैं ड्रॉ करूँगा अपने पैरापेट वॉल को, इस एक्सटीरियर पॉइंट को देके। तो यहाँ पर मैं कॉर्नर्स पे क्लिक कर लेता हूँ सारे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ओपनिंग प्रोवाइड करूँगा बालकनी यहाँ पर पोर्च पे आने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, एस्केप करेंगे और 3D में देख सकते हो। देखिए हमारा यहाँ पर पैरापेट वॉल भी अवेलेबल हो चुका है। आप चाहो तो इसके लिए रेलिंग प्रोवाइड कर सकते हो, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये पोर्च, उसके लिए रेलिंग, तो आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है और यहाँ पर आप रेलिंग ले सकते हो।
तो रेलिंग में फिलहाल दो ऑप्शन है, स्केच पाथ और प्लेस ऑन स्टेयर रैम। तो अगर आपको स्टेयरकेस पे कोई भी रेलिंग प्रोवाइड करनी है तो इसका इस्तेमाल कीजिए, अगर आपको सिंपल बालकनी या फिर टेरेस पे प्रोवाइड करना है तो स्केच पाथ का इस्तेमाल कीजिए। तो मैं यहाँ पर स्केच पाथ पे क्लिक कर देता हूँ, और स्केच पाथ पे क्लिक करने के बाद सिंपल मैं यहाँ पर लाइंस को ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। तो मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ ही ड्रॉ करूँगा, यहाँ पर सेकंड लाइन, यहाँ से थर्ड लाइन, यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। ये तीन लाइन मैंने ड्रॉ किया है, आप चाहो तो इसे मूव कर सकते हो एरो का इस्तेमाल करके, फिनिश कर दीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर 3D में आप देख सकते हो इसे, तो आप देख सकते हो कि रेलिंग तो आई है मगर ये थोड़ा सा गैप आ गया है यहाँ पर, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर पोर्च है वो नीचे है, 2 फीट गैप पे है। तो मैं इसे रेलिंग को भी सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर ये बेस ऑफसेट आपको नज़र आ रहा है इसे भी -2 कर दूंगा, -2 फीट। तो ये -2 पे चला जाएगा हमारा जो रेलिंग है, -2 पे। अगर आपको इसकी डिज़ाइन चेंज करनी है तो आप इस पे सिंगल सिंगल क्लिक कीजिए, और यहाँ पर जाकर आप इसे ग्लास पैनल रख सकते हो। देखिए ग्लास पैनल आ गया। इस तरह से अलग अलग टाइप के यहाँ पर रेलिंग्स अवेलेबल हैं, अलग अलग टाइप के आप रेलिंग चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से। मैं फ़िलहाल यहाँ पर ग्लास पैनल रख देता हूँ। इस तरह से आप ग्लास पैनल के यहाँ पर रेलिंग्स प्रोवाइड कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें अगर इसका सेक्शन व्यू देखना है या फिर क्रिएट करना है तब क्या करेंगे, तो सेक्शन व्यू को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा सेक्शन, तो इसका इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप व्यू में जाओगे तब भी आपको यहाँ पर सेक्शन व्यू के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक क्लिक करना है सिंपल, आपको सिंगल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। फर्स्ट यहाँ पर क्लिक करना है और सेकंड आपको स्ट्रेट यहाँ पर इस तरह से आपको सेक्शन लाइन ड्रॉ करनी है, और आप चाहो तो इसे फ्लिप भी कर सकते हो इसके डायरेक्शन को, लुकिंग डायरेक्शन यहाँ पर। तो मैं फिलहाल इस डायरेक्शन पे फेस करने वाला हूँ, इससे आप इसके व्यू रेंज को कंट्रोल कर सकते हो। अगर इसको कम कर दोगे तो आपको नज़र नहीं आएगा, ये वॉल्स नज़र नहीं आएंगे। देखिए यहाँ पर ये कम हो गया है, तो इसे आपको पूरा क्रॉस करना है, बड़ा रखना है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेक्शन व्यू क्रिएट हो गया है, आपको इसे डबल क्लिक करके देखना है तो आप इस पर डबल क्लिक कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप डबल क्लिक कीजिए, तो डबल क्लिक करके आप यहां पर देख सकते हो कि इसका सेक्शन व्यू हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हो यहां पर हमारा सेक्शन व्यू रेडी हो चुका है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो एक नया सेक्शन ऐड हो गया है, सेक्शन व्यू। तो आप देख सकते हो सेक्शन व्यू करके, इस पर भी डबल क्लिक करके आप देख सकते हो। प्लान को देखना है तो यहाँ पर आ जाइए, ग्राउंड फ्लोर। सेक्शन को देखना है तो यहाँ पर चले जाइए। तो इस तरह से आप अलग अलग टाइप के सेक्शंस यहाँ पर रेडी कर सकते हो। चलिए एक और सेक्शन ले लेते हैं इसका, सेक्शन व्यू। और यहाँ पर मैं इसका यहाँ पर इस तरह से सेक्शन ले लेता हूँ, डबल क्लिक करके हम देख सकते हैं इसके सेक्शन को। तो देखिए यहाँ पर हमें सेक्शन व्यू नज़र आ रहा है। इसी तरह से 3D व्यू भी देख सकते हैं हम लोग। तो हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तो आप चाहो तो इन सेक्शन व्यू को रीनेम भी कर सकते हो, आपको इस पर राइट क्लिक करना है और आप इसे रीनेम कर सकते हो। देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करके रीनेम ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये जो जिस टाइप का सेक्शन है उस टाइप में आप इसे रीनेम करके उसका नाम प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ पर। तो रीनेम भी इसे कर सकते हो, यहाँ पर एलिवेशंस को भी आप नाम दे सकते हो कोई भी। देख सकते हो अलग अलग टाइप के एलिवेशन से, अगर आपको कलरफुल एलिवेशन चाहिए तो यहाँ पर आप इसके विजुअल स्टाइल को चेंज कर सकते हो, शेडेड में या फिर यहाँ पर कंसिस्टेंट, यहाँ पर रियलिस्टिक। तो अलग अलग शेड में आपको यहाँ पर मिल जाएगा अपने एलिवेशंस। यहाँ पर प्लान भी, अगर आप प्लान में भी जाते हो तो प्लान भी आपको अगर कलरफुल चाहिए तो आप यहाँ पर शेडेड रख लीजिए या फिर यहाँ पर रियलिस्टिक रख लीजिए। तो इस तरह से कलर में नज़र आएगा, तो क्योंकि कलर ग्रे कलर का ये ऑब्जेक्ट है तो ग्रे कलर में ही नज़र आएगा। तो हिडन में सारे यहाँ पर वाइट कलर में नज़र आएंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने विंडोज़ को और डोर्स को यहाँ पर टैग्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि W1, W2, W3, उसी तरह से D1, D2, D3। तो रेविट में ये टैगिंग का ऑप्शन बहुत ही सिंपल है, तो चलिए हम लोग टैगिंग के ऑप्शन को यहाँ पर किस तरह से यूज़ करना है देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको विंडो में जाना है यहाँ पर। तो विंडो में जाके यहाँ पर जिस टाइप के विंडोज़ आपने यूज़ किए हैं, यहाँ पर देखिए स्लाइडिंग विंडोज़ हमने अपने प्लान में यूज़ किए हैं, तो यहाँ पर मैं स्लाइडिंग विंडोज़ को यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। सबसे पहले 48, यहाँ पर 48x48, या फिर ये इसका इस्तेमाल मैंने नहीं किया है अपने प्लान में, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे छोटा है यहाँ पर 60x48, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा 60x48। इसको करना क्या है कि एडिट टाइप में जाना है आपको, और एडिट टाइप में जाने के बाद यहाँ पर नीचे आना है,
यहाँ पर आपको इसका यहाँ पर टाइप मार्क यहाँ पर डाल देना है। तो टाइप मार्क मैं यहाँ पर W डाल देता हूँ, W या फिर W1। इसकी कॉस्ट चाहो तो आप कॉस्ट डाल सकते हो ताकि आप इसका एस्टिमेट निकाल सको, तो कॉस्ट भी चाहो तो आप इसका डाल सकते हो, मैन्युफैक्चरर, मॉडल, इस सारे डिस्क्रिप्शन आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो कॉस्ट फिलहाल मैं यहाँ पर नहीं डालूंगा, यहाँ पर मैं टाइप मार्क यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा W1। ओके, और यहाँ पर सेकंड विंडो सिलेक्ट करते हैं W2 के लिए। यहाँ पर W2 के लिए इस विंडो को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर W2 डाल देते हैं हम, टाइप मार्क पे W2। ओके करते हैं। उसके बाद यहाँ पर किचन विंडो के लिए, यहाँ पर किचन विंडो, इस विंडो के लिए मैं W3 प्रोवाइड कर देता हूँ, रीनेम यहाँ पर KW प्रोवाइड करते हैं, किचन विंडो KW। ओके, तो KW डाल दिया, ये सारे टैगिंग हमारे हो गए। उसी तरह से डोर को भी आपको टैग कर लेना है, जैसे कि सबसे छोटा डोर यहाँ पर ये बाथरूम के लिए, इस डोर को सिलेक्ट करके यहाँ पर जा सकते हो आप, सिलेक्ट करके भी कर सकते हो आप, तो सिलेक्ट करना है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर आपको इस मार्क पे डायरेक्ट चेंज करना है, आपको एडिट टाइप में नहीं जाना है, डायरेक्ट यहाँ पर मार्क चेंज कर दीजिए इसका। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर D1 डाल देता हूँ, D1 साइड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमको इस डोर को D2 डाल देते हैं यहाँ पर मार्क, D2 साइड पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जो ये वाला डोर नज़र आए से MD डाल देते हैं, मेन डोर, और साइड पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से आप डाल सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर वेंटिलेटर्स हैं, तो वेंटिलेटर्स को मैं यहाँ पर V डाल देता हूँ, V साइड पे क्लिक। तो विंडो को भी मैंने डाल दिया है यहाँ पर सारे। अब टैग्स प्रोवाइड करते हैं हम अपने ग्राउंड फ्लोर में। तो टैग्स को डालने के लिए यहाँ पर आपको एनोटेट पे जाना है। एनोटेट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको टैग ऑल यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर टैग ऑल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टैग चाहिए, डोर का टैग यहाँ पर चेकमार्क कर देना है डोर के टैग पे, और यहाँ पर लास्ट में विंडो के टैग पे भी चेकमार्क कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से ओके कर लीजिए। तो देखिए सारे टैग्स यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर इसके टैग्स हमने प्रोवाइड नहीं किए थे, तो इसे भी हम लोग चेंज कर देते हैं सिलेक्ट करके। सिलेक्ट करते हैं एडिट टाइप, विंडो के लिए आपको एडिट टाइप करना है यहाँ पर। यहाँ पर मैं इसके लिए यहाँ पर W3 प्रोवाइड कर देते हैं, W3। ओके, और यहाँ पर इसके लिए भी हम लोग चाहो तो प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पर मार्क, तो इसके लिए हम लोग मार्क डाल देते हैं यहाँ पर G, यहाँ पर G डाल देते हैं मार्क। और यहाँ पर वेंटिलेटर्स यहाँ पर नहीं आए, तो वेंटिलेटर्स के लिए यहाँ पर मैं एडिट टाइप करके यहाँ पर विंडोज़ के लिए याद रखना है एडिट टाइप में डालना है आपको वेंटिलेटर्स V। ओके, तो यहाँ पर भी, और डोर के लिए डायरेक्ट आप मार्क पे यहाँ पर कर सकते हो, मार्क चेंज कर सकते हो। तो आप सारे टैग्स हमारे प्लान में अब अवेलेबल हो चुके हैं। आप चाहो तो थोड़ा सा यहाँ पर ड्रैग करके भी बाहर साइड में रख सकते हो इन्हें इस तरह से कुछ, और यहाँ पर आप हैचिंग भी कर सकते हो इस वरंदा के लिए। तो यहाँ पर आप डिटेल लाइन के नीचे जाते हो, तो यहाँ पर हैचिंग कमांड अवेलेबल है रीजन करके। यहाँ पर रीजन पे जाइए, रीजन पे जाने के बाद यहाँ पर आप लाइन से भी और रेक्टेंगल से भी प्रोवाइड कर सकते हो हैचिंग। तो इस तरह से मैं कुछ रेक्टेंगल बना देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर फिनिश कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हैचिंग अवेलेबल हो गया है। इस तरह से कहीं पर भी आपको हैचिंग प्रोवाइड करना है तो आप अपने प्लान में हैचिंग प्रोवाइड कर सकते हो। तो चलिए हम लोग इसके 3D व्यू में जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा ये जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है हमारा पोर्च है, इसका यहाँ पर एक कॉलम प्रोवाइड करना होगा। तो कॉलम कैसे प्रोवाइड करते हैं चलिए देखते हैं रेबिट में। तो कॉलम प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले आपको ग्राउंड लेवल पे जाना है, क्योंकि हमारा कॉलम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होगा। तो ग्राउंड लेवल पे चले जाइए। अब यहाँ पर आपको जाना है ग्राउंड लेवल पे, यहाँ पर कॉलम पे। तो कॉलम देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, दो टाइप के कॉलम अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर ले लीजिए स्ट्रक्चरल कॉलम, और स्ट्रक्चरल कॉलम पे यहाँ पर देखिए यहाँ पर आई सेक्शन अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर आर्किटेक्चरल कॉलम पे जाते हो तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर कॉलम अवेलेबल है। चलिए हम लोग रेक्टेंगुलर कॉलम यहाँ पर फिट कर लेते हैं 18x18। आप चाहो तो इस कॉलम की साइज चेंज कर सकते हो इजीली एडिट टाइप का इस्तेमाल करके। तो एडिट टाइप में जाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 12 इंच बाय 12 इंच, यहाँ पर 12x12। ओके, और यहाँ पर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ यहाँ पर 1 फिट एंड देन अगेन 1 फिट। ओके करेंगे, और यहाँ पर सिंपल आपको हाइट सिलेक्ट कर लेना है। तो हाइट मैं रखूँगा फर्स्ट फ्लोर तक, तो हमारे कॉलम जो आएगा वो फर्स्ट फ्लोर तक आएगा। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट फ्लोर तक ले लेता हूँ अपने कॉलम को, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर। तो देख सकते हो आप यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कॉलम थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। तो मैं इसे एरो से आगे की तरफ ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसे इस डायरेक्शन में एरो से अंदर की तरफ भी ले लेता हूँ। देखिए ये जो कॉलम था वो ऊपर की तरफ यहाँ पर एक्स्ट्रा बाहर आ चुका है। तो इसे क्या करना है, आपको इसे अटैच करना है इस फ्लोर पे। तो अटैच करने के लिए क्या करना है, इस पर सिलेक्ट कीजिए,
यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको अटैच टॉप बेस, तो सिलेक्ट करने के बाद अटैच टॉप बेस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर याद रखिए कि यहाँ पर टॉप सिलेक्ट होना चाहिए क्योंकि हम लोग अपने कॉलम के टॉप को इस फ्लोर से अटैच करने वाले हैं, तो इस टॉप को हमें इस फ्लोर पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर अटैच हो गया, तो इस तरह से आप अटैच कर सकते हो अपने कॉलम को। तो पहले कॉलम पे सिलेक्ट, अटैच टॉप बेस, उसके बाद फ्लोर पे क्लिक, तो ये अटैच हो जाएगा कॉलम। तो हमने यहाँ पर कॉलम भी प्रोवाइड कर लिया है अपने पोर्च के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रेडी करते हैं हम लोग। तो आप चाहो तो यहाँ पर सीलिंग प्लान्स भी तैयार कर सकते हो अपने प्लान के लिए। तो चलिए हम लोग ग्राउंड फ्लोर के लिए यहाँ पर सीलिंग प्लान रेडी करते हैं। आप चाहो तो सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ गया। यहाँ पर आपको सीलिंग अगर फिट करना है किसी रूम में तो यहाँ पर आप इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पर सीलिंग ले लेना है। देखिए यहाँ पर रेडीमेड सीलिंग अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप सीलिंग पे क्लिक कीजिए। सीलिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप नज़र आएंगे, अलग अलग टाइप के, तीन टाइप के यहाँ पर सीलिंग है। तो एक टाइप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आपको सिंगल क्लिक कर देना है। तो क्लिक करके आप यहाँ पर सीलिंग फिट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक सीलिंग ऑन है इसलिए यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सीलिंग आ जाएगा। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सीलिंग आ जाएगा। उसी तरह से आप स्केच सीलिंग का इस्तेमाल करके इस तरह के हॉल में सीलिंग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए पूरा ये रीजन कैप्चर हो रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पर पार्टीशन वॉल अवेलेबल नहीं है इसलिए ये पूरा रीजन कैप्चर हो रहा है। तो इस यहाँ पर आप स्केच सीलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्केच सीलिंग पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर रेक्टेंगल ले लेना है। रेक्टेंगल लेने के बाद आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है जितना पोर्शन आपको सीलिंग पे लेना है। तो ये इतना चाहिए मुझे सीलिंग के लिए। और यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करना है। देखिए याद रखिए जब तक आप फिनिश पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक कोई भी कमांड यहाँ पर एक्टिव नहीं होगा। देखिए ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है तो इसलिए मैं यहाँ पर फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी हमने सीलिंग अवेलेबल कर दिया है। सीलिंग में हम लोगों को अगर लाइट फिटिंग करना है तो आप लाइट फिटिंग भी इसमें कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम अपने सीलिंग में लाइट फिट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल आपको कंपोनेंट पे जाना है, प्लेस ए कंपोनेंट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर लोड फैमिली पे क्लिक करना है। लोड फैमिली पे जाने के बाद यहाँ पर हम लोग चले जाते हैं अपने US इंपीरियल। यहाँ पर आपको लाइटिंग एक फोल्डर नज़र आएगा, इस पे जाना है। आर्किटेक्चरल लाइट्स, यहाँ पर इंटरनल लाइट्स और अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपको लाइट्स मिल जाएंगे। तो कोई भी अगर लाइट फिटिंग करना है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। मैं ये फर्स्ट वाला ले लेता हूँ लोड करने के लिए। और यहाँ पर लास्ट में ये वाले कंट्रोल प्रेस करके ये वाले लाइट्स भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं। तो यहाँ पर लोड हो जाएगा सारी फैमिली हमारी। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लोड हो चुका है ये लाइट्स। तो आप सिलेक्ट करके कोई भी यहाँ पर लाइट्स ले सकते हो, वोल्टेज के हिसाब से भी अवेलेबल है। तो कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर मैं फिट कर देता हूँ। आपको जिस टाइप में फिटिंग चाहिए अपने लाइट की फिटिंग आप यहाँ पर अरेंजमेंट दिखा सकते हो। इस तरह से अलग टाइप के भी यहाँ पर ले सकते हो। देखिए यहाँ पर हमने एक और लोड किया है तो यहाँ पर देख सकते हो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर टाइप में दोनों टाइप में अवेलेबल है। तो यहाँ पर फिटिंग कर सकते हो आप लाइट फिटिंग इस तरह से। और यहाँ पर दूसरे टाइप के भी लैंप्स अवेलेबल हैं, हमने लोड किया था। अब सेंटर पे एक फिट कर देते हैं। इस तरह से आप लाइट फिटिंग्स अपने सीलिंग प्लान पे शो कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इन सारे लैंप को यहाँ पर क्लिक करके फिट कर देता हूँ। यहाँ पर अगर राउंड लाइट चाहिए तो यहाँ पर मैंने वो भी लोड करके रखा है यहाँ पर, तो इसको भी हम लोग लगा देते हैं। इस तरह से जो अरेंजमेंट आपको चाहिए। चलिए मैं फास्टली यहाँ पर लगा लेता हूँ अपने हॉल पे। तो यहाँ पर मैंने सारे लैंप्स और लाइट्स यहाँ पर फिटिंग कर दिए हैं। तो हमारा सीलिंग प्लान भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। अगर आपको अपने 3D में सीलिंग प्लान को देखना है, सीलिंग को देखना है, तो यहाँ पर विंडो थ्रू भी नज़र आ रहा है। देखिए सीलिंग यहाँ पर लाइट फिटिंग्स भी हो चुके हैं और हमारी सीलिंग भी हमें नज़र आ रही है। अगर आपको अंदर से देखना है तो यहाँ पर आप 3D में आके सेक्शन बॉक्स को ऑन कर सकते हो। सेक्शन बॉक्स देख सकते हो, सेक्शन बॉक्स को ऑन कीजिए। यहाँ पर एक आपको बॉक्स नज़र आएगा, देखिए इससे आप अपने घर को यहाँ पर कट करके देख सकते हो। यहाँ पर इस एरो से इसके साइज़ को कंट्रोल कीजिए, जितना साइज़ अंदर लेंगे उतना ये कट होगा। तो इस तरह से आप अपने रूम्स को यहाँ पर कट कर सकते हो, अंदर का सेक्शन ले सकते हो। देखिए तो आपको यहाँ पर अंदर के सारे चीज़ें नज़र आएंगी। तो इस तरह से आप सेक्शन बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहो तो ऊपर से भी सेक्शन ले सकते हो। देखिए ऊपर से सेक्शन मैंने लिया है, तो जैसा आप कंट्रोल करोगे इसे उस टाइप में ये आएगा। देखिए यहाँ पर सीलिंग आपको नज़र आ रही है, लाइट फिटिंग्स भी आपको नज़र आएंगे।
चलिए मैं इसे सेक्शन बॉक्स को यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ, स्केप करेंगे यहाँ पर सेक्शन बॉक्स को ऑफ, तो हमें नॉर्मल विंडो फिर से नज़र आएगी। तो हमने सीलिंग प्लान भी यहाँ पर रेडी कर लिया है। चलिए अब हम लोग शेड्यूल तैयार करते हैं। तो विंडो और डोर के लिए हम लोग शेड्यूल यहाँ पर तैयार करेंगे। चलिए यहाँ पर मैं शेड्यूल पे जाता हूँ। तो शेड्यूल तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर व्यू पे जाना है। व्यू पे जाने के बाद यहाँ पर आपको शेड्यूल ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद शेड्यूल ले लीजिए यहाँ से। शेड्यूल लेने के बाद यहाँ पर आपको जिस चीज़ का शेड्यूल तैयार करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले मैं विंडो का शेड्यूल यहाँ पर तैयार कर लेता हूँ। तो विंडो के लिए यहाँ पर लास्ट में होगा विंडो, तो विंडो सेलेक्ट करना है। ओके कर लीजिए यहाँ पर। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरीज नज़र आएंगे, तो आपको अपने शेड्यूल में जो जो टेबल चाहिए वो टेबल्स आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो जो जो टेबल चाहिए, मतलब कॉस्ट अगर चाहिए विंडो की कॉस्ट का टेबल, और यहाँ पर फैमिलीज़ कौन से हैं इस टेबल को ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग मार्क ले लेते हैं, मार्क नहीं लेंगे इसके टाइप मार्क को लेंगे। टाइप मार्क यहाँ पर ये यह देखिए टाइप मार्क, यहाँ पर टाइप मार्क अवेलेबल है, टाइप मार्क को ले लेंगे। यहाँ पर विड्थ ले लेंगे, हाइट ले लेंगे, यहाँ पर सील हाइट ले लेंगे, सील हाइट, और यहाँ पर हाइट भी ले लेंगे, यहाँ पर हाइट अवेलेबल है। तो ये सारे यहाँ पर इतने टेबल्स मुझे अपने शेड्यूल में चाहिए, तो इन सारे ये टेबल्स में मुझे मिल जाएंगे। तो इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मार्क रखेंगे, तो मार्क के बाद यहाँ पर फैमिली रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर विड्थ रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हाइट रखेंगे, विड्थ के बाद हाइट, उसके बाद सील हाइट, उसके बाद लास्ट में कॉस्ट। तो यहाँ पर इस टाइप में हमें सारे टेबल नज़र आएंगे यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर ओके कर देंगे तो यहाँ पर हमारा शेड्यूल रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा शेड्यूल रेडी हो गया है। सारे टाइप मार्क्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, फैमिलीज़ के नाम नज़र आएंगे यहाँ पर, स्लाइडिंग विंडो, विड्थ, हाइट एंड सील हाइट। हमने कॉस्ट यहाँ पर पुट नहीं की है, तो हमें यहाँ पर कॉस्ट नज़र नहीं आएगी। आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पर भी कॉस्ट डाल सकते हो, यहाँ पर 5000। देखिए एंटर करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पर सेम टाइप के विंडो को कॉस्ट अप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर 6000। देखिए सेम टाइप के विंडोज़ को यहाँ पर सेम यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से देखिए यहाँ से भी आप कॉस्ट डाल सकते हो अपने विंडोज़ के लिए। यहाँ पर इस टाइप में, तो इस तरह से आप फिलिंग कर सकते हो अपने कॉस्ट को अपने विंडो के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर देख सकते हो कि सारे KW, KW, W1, W2 यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर मार्क थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम आ गया है, तो यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ इसे। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको W कर देते हैं, W। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे KW, KW यहाँ पर डबल डबल नज़र आ रहे हैं, तो इस तरह का मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ KW एक ही चाहिए, W1 का एक चाहिए, W2 का एक चाहिए, W3 और V का एक चाहिए। तो आपको थोड़ा सा इसमें एडिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एडिट ऑप्शन भी अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर एडिट, तो क्लिक कीजिए, यहाँ पर फिर से वही ओपन हो जाएगा यहाँ पर हमने जो लिया था। तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर आपको शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग में जाना है। शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट यहाँ पर फिल्टर अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर कर दीजिए टाइप मार्क, यहाँ पर कर दीजिए, और टाइप मार्क के बाद यहाँ पर आप आइटमाइज्ड पर यहाँ पर अनचेक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि ये डबल डबल विंडोज़ नज़र नहीं आएंगे। तो टाइप मार्क के हिसाब से हमने यहाँ पर कैटेगरी ग्रुपिंग कर दिया है इसे। ओके करेंगे, तो देखिए यहाँ पर KW का एक नज़र आ रहा है, VW और इसके साइज सारे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इनको फिल्टर अप्लाई कर दिया है। अगर आपको कॉस्ट का यहाँ पर टोटल चाहिए तो आपको टोटल भी मिलेगा यहाँ पर। अगर फील्ड में जाते हो यहाँ पर एडिट करके, तो फॉर्मेटिंग एंड ग्रुपिंग में जाना है, कॉस्ट में जाना है, और यहाँ पर कॉस्ट की टोटल कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टोटल्स ओके करना है, और यहाँ पर आपको ग्रैंड टोटल्स में भी चेकमार्क रखना है। तो यहाँ पर आप ग्रैंड टोटल्स में भी चेकमार्क रख लीजिए सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग में, तो ओके करना है। तो देखिए यहाँ पर सारे आपको टोटल्स मिल गए हैं, ग्रैंड टोटल्स टोटल यहाँ पर ग्रैंड टोटल 14 विंडोज़ हैं, और यहाँ पर टोटल 60,000 आपको कॉस्ट आएगी। तो इस तरह से आप इसे शेड्यूल तैयार कर सकते हो अपने विंडो के लिए। चलिए डोर के लिए तैयार करते हैं। सेम आपको यहाँ पर व्यू में जाना है, शेड्यूल एंड क्वांटिटीज़ में जाना है, डोर पे जाना है, यहाँ पर डोर डी फॉर डोर यहाँ पर डोर है। ओके, अब यहाँ पर डोर में जो जो फिल्टर आपको चाहिए वो अप्लाई कर दीजिए। कॉस्ट यहाँ पर, फैमिली यहाँ पर, और यहाँ पर आपको हाइट ले लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर विड्थ ले सकते हो,
विड्थ यहाँ पर थिकनेस ले सकते हो अपने पैनल के लिए, डोर के पैनल के लिए थिकनेस, और यहाँ पर मार्क ले सकते हो इसका मार्क। तो इतने चीज़ें मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मार्क का टेबल रख देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर फैमिलीज का टेबल रख देते हैं, विड्थ, हाइट, उसके बाद हाइट यहाँ पर, उसके बाद थिकनेस, और उसके बाद कॉस्ट। तो यहाँ पर पहले से मैं सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग में यहाँ पर ग्रुप कर देता हूँ इसे। तो मैं अकॉर्डिंग टू मार्क इसे ग्रुप कर देता हूँ। आइटमाइज पे यहाँ पर अनचेक कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर ग्रैंड टोटल, सॉरी यहाँ पर ग्रैंड टोटल पे चेक मार्क कर देना है। फॉर्मेटिंग में जाना है, कॉस्ट पे जाना है, यहाँ पर कॉस्ट पे कैलकुलेट टोटल, जिसकी वजह से कॉस्ट की टोटल कैलकुलेशन हो जाएगी। ओके कर दीजिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमें सारे डोर्स के यहाँ पर मार्क्स नज़र आ रहे हैं, फैमिलीज के टाइप नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस डोर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसे हम लोग डी कर देते हैं, डी यहाँ पर भी डी कर देते हैं, डी यहाँ पर। तो यहाँ पर डी, D1, D2, G और MD, ये सारे डोर्स के यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो देखिए ये सारे शेड्यूल हमारे रेडी हो चुके हैं। कॉस्ट हमने नहीं डाली थी, तो यहाँ पर कॉस्ट भी हमें नहीं दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कॉस्ट के लिए, कॉस्ट यहाँ पर पुट नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर पुट नहीं हो रहा है कॉस्ट, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे जाइए, और डायरेक्ट यहाँ से भी आप इसकी कॉस्ट प्लेस कर सकते हो। सिलेक्ट एडिट टाइप, एडिट टाइप में जाने के बाद यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर कॉस्ट है देखिए। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 20,000। ओके ये मेन डोर है हमारा, और उसके बाद ये वाला बेडरूम के डोर्स की भी कॉस्ट हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 8,000। ओके और यहाँ पर जो भी मार्केट रेट है आपके हिसाब से आप डाल सकते हो कोई भी। यहाँ पर डाल देता हूँ 5,000। ओके और इस डोर को भी हम लोग यहाँ पर कॉस्ट डाल देते हैं। पैनल्स जो हैं इनकी भी कॉस्ट हम लोग 3,000 डाल देते हैं। ओके और यहाँ पर आप शेड्यूल दे सकते हो, हमारा शेड्यूल यहाँ पर रेडी है। डोर शेड्यूल, विंडो शेड्यूल, यहाँ पर डबल क्लिक करना है डोर शेड्यूल देखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर सारे कॉस्ट आपको टोटल यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरह से आप शेड्यूल भी रेडी कर सकते हो अपने प्लान के हिसाब से, शेड्यूल्स रेडी कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद लास्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है शीट्स का। तो शीट क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर न्यू शीट क्रिएट करना है। न्यू शीट लेने के बाद यहाँ पर आपको शीट की साइज़ को सिलेक्ट करना है, या फिर आप लोड भी कर सकते हो अपनी शीट को। तो मैं यहाँ पर लोड करके यहाँ पर चले जाता हूँ लाइब्रेरी पे। लाइब्रेरी में जाने के बाद यहाँ पर यूएस मैट्रिक पे जाऊँगा। यूएस मैट्रिक पे यहाँ पर टाइटल ब्लॉक्स, और टाइटल ब्लॉक्स में मैं यहाँ पर A0 साइज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर A1 भी सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी साइज़ सिलेक्ट कर लीजिए। ओके यहाँ पर मैंने शीट ले लिया है। अब हम लोग अपने प्लान को यहाँ पर शीट में प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा एक शीट यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसका नाम हमने नहीं डाला है, तो इसका राइट क्लिक करके हम लोग रीनेम कर देते हैं इसे। तो राइट क्लिक करके रीनेम यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं, यहाँ पर प्लान, फ्लोर प्लान डाल देते हैं, फ्लोर प्लान। ओके तो यहाँ पर फ्लोर प्लान यहाँ पर रखने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर सिंगल आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर को ड्रैग कीजिए यहाँ से, ग्राउंड फ्लोर को ड्रैग कीजिए यहाँ से, और यहाँ पर आपको प्लेस कर देना है। तो देखिए ग्राउंड फ्लोर को प्लेस करने के बाद यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर हमारा आ चुका है, मगर साइड में हमारे जो ये जो कैमरास थे वो भी आ रहे हैं, और जिसकी वजह से ये जो दूर है बहुत सारे कैमराज, यहाँ पर पूरा शीट कवर अप हो जा रहा है। तो करना क्या है आपको, इसे डिलीट कर दीजिए अभी। तो अब आपको यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे जाना है और इन कैमरास को ड्रैग करना है। ऐसे सिलेक्ट कीजिए इस तरह से, कुछ इस तरह से, और इसे ड्रैग करके अपने प्लान के क्लोज लाना है आपको इस तरह से। तो इस तरह से आप इसे ड्रैग कर सकते हो यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने ड्रैग कर लिया है। अब जाते हैं फ्लोर प्लान की शीट पे, अब ड्रैग करके यहाँ पर रखते हैं। देखिए तो ये हमारा छोटा सा आया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा प्लान व्यू देखिए, यहाँ पर प्लान आ चुका है हमारा साइड पे क्लिक। यहाँ पर भी एक अवेलेबल है इसे ग्राउंड फ्लोर, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर फर्नीचर प्लान भी रख लेते हैं। यहाँ पर फर्नीचर ड्रैग करके यहाँ पर बाजू में फर्नीचर प्लान भी रख लेते हैं। देखिए हमारा फर्नीचर प्लान भी अवेलेबल हो गया है। आप चाहो तो इन कैमरास को हाइड कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर फर्नीचर प्लान पे जाना है, एक को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हाइड इन व्यू,
बाय कैटेगरी करना है, हाइड इन व्यू बाय कैटेगरी, आप चाहो तो इसे हाइड कर सकते हो। उसी तरह से आप ग्राउंड फ्लोर पे जा सकते हो, इसे सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, हाइड इन व्यू बाय कैटेगरी, तो इस दोनों व्यू में हाइड कर दीजिए, आपके शीट में भी हाइड हो जाएगा। इसी तरह से आप अलग अलग प्लान्स अपने शीट में यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। तो चलिए एक और शीट यहाँ पर लेते हैं हम लोग, राइट क्लिक करते हैं न्यू शीट, तो शीट पे यहाँ पर राइट क्लिक करना है, न्यू शीट लेना है, उसके बाद A0 ओके। इस शीट को मैं रखता हूँ अपने सीलिंग प्लान के लिए, तो मैं यहाँ पर रीनेम कर देता हूँ सीलिंग प्लान। तो सीलिंग प्लान ओके, यहाँ पर मैं सीलिंग प्लान के ग्राउंड फ्लोर को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो देखिए हमारा यहाँ पर सीलिंग प्लान रेडी हो चुका है, इस प्लान में हमने रख लिया है सीलिंग प्लान। चलिए एक और शीट तैयार करते हैं यहाँ पर, न्यू शीट ओके, और यहाँ पर हम लोग एलिवेशन के सारे व्यूज रखेंगे। तो यहां पर मैं रीनेम कर देता हूं एलिवेशन ओके। तो एलिवेशन को यहां पर रखने से पहले चलिए हम लोग एलिवेशन देख लेते हैं किस तरह का नजर आ रहा है। तो सबसे पहले एलिवेशन में आप क्या कीजिए कि यहां पर अगर आपको रियलिस्टिक में चाहिए तो रियलिस्टिक में ले सकते हो आप, या फिर आपको हिडन में चाहिए तो हिडन में भी आप रख सकते हो। तो हिडन में रखना है, और इस ये जो आपको लाइन नजर आ रहे हैं आपको अपने लेवल्स के, इन्हें थोड़ा सा छोटा कर देना है साइज़ में, तो ये छोटा कर दीजिए आप साइज़ इनकी, और सारे व्यू में ये सेटिंग आपको करनी है, इन साइज़ को छोटा कर देना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। तो यहाँ पर मैं इस लाइन को भी छोटा कर देता हूँ, यहाँ पर साउथ में जाते हैं इसकी भी साइज़ छोटी है पहले से ही, और वेस्ट में जाते हैं यहाँ पर इसकी भी साइज़ छोटी है। आप चाहो तो यहाँ पर हाइट भी प्रोवाइड कर सकते हो, किसी भी एक व्यू में आप इस इनकी हाइट प्रोवाइड कर दीजिए यहाँ से, तो यहाँ पर आप साइड पे क्लिक इस तरह से हाइट भी प्रोवाइड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर एलिवेशन पे जाता हूँ और इन सारे व्यूज़ को मैं ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा, ईस्ट को ड्रैग करेंगे यहाँ पर रख देंगे, उसी तरह से नॉर्थ को ड्रैग करेंगे यहाँ पर रख देंगे, इस तरह से हम साउथ को ड्रैग करेंगे यहाँ पर रख देंगे, इस तरह से हम वेस्ट को ड्रैग करेंगे और यहाँ पर रख देंगे। आप देख सकते हो सारे व्यूज़ हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आप अपने किसी भी प्लान में कोई भी चेंज कर सकते हो, कोई भी चेंज करते हो, समझो वेस्ट में मैं यहाँ पर रियलिस्टिक कर देता हूँ, तो आपको जो शीट में व्यू मिलेगा वो भी रियलिस्टिक मिलेगा, देख सकते हो। जो भी प्लान में आप चेंज करोगे वो आपके शीट में रिफ्लेक्ट होगा। तो रेविट के सारे डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, किसी भी व्यू में अगर कोई भी चेंज आप करते हो तो सारे व्यू में चेंजेस आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर शीट में भी मैंने डाल दिया है एलिवेशन। चलिए अब एक न्यू शीट लेते हैं सेक्शन के लिए, तो यहाँ पर न्यू शीट ओके करता हूँ मैं, यहाँ पर सेक्शन व्यू यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ, रीनेम कर देते हैं इसे सेक्शन ओके, और यहाँ पर मैं अपने सेक्शन व्यू को ड्रैग कर लेता हूँ, और यहाँ पर ड्रॉप करेंगे सेक्शन व्यूज़ को यहाँ पर भी। आप चाहो तो छोटी शीट भी प्रोवाइड कर सकते हो, छोटी शीट ले सकते हो, और इसी शीट में मैं अपने शेड्यूल्स को रख देता हूँ। तो शेड्यूल को यहाँ पर डोर के शेड्यूल को ड्रैग करेंगे, और यहाँ पर सॉरी इसे हम लोग प्लान में रखेंगे, प्लान यहाँ पर जो फ्लोर प्लान है इसमें हम लोग डोर शेड्यूल यहाँ पर ले लेते हैं, और यहाँ पर विंडो शेड्यूल को भी ले लेते हैं। तो इस तरह से डोर और विंडो शेड्यूल को आप इस तरह से प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आ चुका है, देख सकते हो। चलिए अब यहाँ पर मैं सेक्शन मैंने ले लिया है, अब मैं यहाँ पर एक और शीट तैयार करूँगा 3D व्यूज़ के लिए। तो मैं यहाँ पर एक और शीट तैयार करता हूँ, राइट क्लिक न्यू शीट, और इसमें मैं अपने 3D व्यूज़ को प्लेस करने वाला हूँ, रीनेम कर देते हैं 3D व्यू ओके कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने शीट ले लिया है, अब चलिए हम लोग 3D व्यू अपने रख देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, तो फिलहाल हमारे पास एक ही 3D व्यू है। अगर आपको मल्टीपल 3D व्यूज रेडी करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप कैमरा वगैरह सेट कर सकते हो। अगर आपको कैमरा सेट करना है तो आप कैमरा सेट कर सकते हो। आपको यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, यहाँ पर देखिए अगर आप जाते हो एलिवेशन के यहाँ पर 3D व्यू के यहाँ पर कैमरा पे क्लिक करना है, सिंगल आपको यहाँ पर क्लिक करना है और एक यहाँ पर क्लिक कर देना है अपने व्यू के अंदर, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। तो देखिए एक कैमरा व्यू यहाँ पर रेडी हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो कि 3D व्यू, ये कैमरा व्यू, और यहाँ पर आप रियलिस्टिक ले सकते हो, यहाँ पर रियलिस्टिक देखिए यहाँ पर रियलिस्टिक, और यहाँ पर आप शेडोज़ भी दिखा सकते हो यहाँ पर ऑन करके, शेडोज़ यहाँ पर देखिए, तो शेडोज़ भी दिखा सकते हो, या फिर रियलिस्टिक कंसिस्टेंट रख सकते हो आप। तो इस तरह से
तो यहाँ पर दो 3D व्यूज़ हमारे रेडी हो चुके हैं, आप चाहो तो रख सकते हो यहाँ पर अपने 3D व्यूज़ में। तो मैं यहाँ पर 3D व्यू को, यहाँ पर इस व्यू को एक रख लेता हूँ, ये वाला व्यू। तो इस 3D व्यू को ड्रैग करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ पर हम लोग इस 3D व्यू को ड्रैग करेंगे और यहाँ पर रख देंगे। तो ये 3D व्यू भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 3D व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो चलिए इसे बड़ा करते हैं। तो इसे बड़ा करने के लिए आप सिंपल इस पे क्लिक करके यहाँ पर साइज क्रॉप पे जा सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू की जगह यहाँ पर स्केल को सिलेक्ट कर लेना है। तो स्केल को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो विड्थ है उसे चेंज कर देना है। तो यहाँ पर जो विड्थ मुझे 6 इंच की नज़र आ रही है उसे मैं यहाँ पर 2 फीट की कर देता हूँ, 2 फीट, और यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इमेज है, 3D इमेज, वो बड़ी हो चुकी है यहाँ पर। तो इस तरह से आप चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारे इस व्यू में कोई भी ग्राउंड सरफेस हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो चलिए हम अपने प्लान में ग्राउंड सरफेस भी बना लेते हैं। तो ग्राउंड सरफेस को बनाने के लिए आप यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे चले जाइए, या फिर आप साइट लेवल पे भी जा सकते हो। तो मेरे लिए शायद यहाँ पर साइट लेवल यहाँ पर अच्छा होगा, तो मैं यहाँ पर साइट लेवल पे चला जाता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर मासिंग एंड साइट पे चले जाना है। मासिंग एंड साइट पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर टोपो सरफेस और यहाँ पर साइट कंपोनेंट अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर टोपो सरफेस का फिलहाल इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर टोपो सरफेस पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर याद रखना है कि एलिवेशन 0 रखना है। तो यहाँ पर आपको हिल और वैली क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हाइट आप डाल सकते हो। जैसे कि हिल पोर्शन यहाँ पर आप 5 फीट 6 फीट पे रख सकते हो, वहाँ पर एक हिल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फिलहाल फ्लैट सरफेस तैयार करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ, और यहाँ पर मैं ग्राउंड सरफेस के लिए 4 पॉइंट डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं 4 पॉइंट डाल दूंगा, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और यहाँ पर 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट डाल के आप एक ग्राउंड सरफेस यहाँ पर रेडी कर सकते हो। अगर आपको कोई हिल तैयार करना है तो यहाँ पर आप एलिवेशन को बढ़ा सकते हो। तो मैं यहाँ पर 5 फिट कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि 5 फिट में डाल के आप किस तरह से हिल क्रिएट कर सकते हो। तो 5 फिट डालने के बाद आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को क्लिक करना होगा, देखिए कुछ इस तरह से। तो जितने पोर्शन में आपको ये 5 फीट की हाइट पे चाहिए, तो उतने सरफेस पे आप इस तरह से क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ, कुछ हिल यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से मैं यहाँ पर पॉइंट्स क्लिक कर रहा हूँ अपने माउस के जरिए। और उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको 0 फिट सिलेक्ट कर देना है, और 0 फिट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से फिर से इस तरह से इस ग्राउंड सरफेस को 0 पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 0 पे इसे कन्वर्ट कर देना है बाकी का पोर्शन। तो यहाँ पर आपकी जो हिल का पोर्शन है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो इस पॉइंट्स के आगे सारा सरफेस हमारा 0 फिट पे होगा। तो इसके जो ये पोर्शन है वो 5 फिट पे, और ये धीरे धीरे 5 फिट से 0 फिट पे आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आप लाइन, ये 5 फिट के पॉइंट्स है और ये 0 फिट के पॉइंट्स है। तो इस तरह से 5 फिट से 0 फिट की तरफ ये हिल क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग 3D में देखते हैं। तो मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पर आप 3D व्यू में देखिए। सबसे पहले फिनिश कर लीजिए यहाँ पर। फिनिश करने के बाद यहाँ पर 3D व्यू देख सकते हो। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि हमारा हिल पोर्शन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। मैं आपको यहाँ पर रोटेट करके भी दिखा सकता हूँ, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हिल पोर्शन क्रिएट हो चुका है। तो आप चाहो तो ज़्यादा भी हाइट दे सकते हो अपने ग्राउंड सरफेस के हिसाब से। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पर सेक्शन बॉक्स का इस्तेमाल करके आपको कट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सेक्शन बॉक्स पे चेक मार्क कर देना है, देखिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल हमने अभी अपने ट्यूटोरियल में किया है। सेक्शन बॉक्स को ऑन करने के बाद आपको इसे सेक्शन बॉक्स से इस तरह से कट कर लेना है। इस पोर्शन से भी हम इसे क्लोज कर लेंगे, और यहाँ से फ्रंट पोर्शन से भी इसे क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर ये जो आपको बीच का एरो नज़र आ रहा है, इसे नीचे की तरफ अपने अपने ग्राउंड को ले सकते हैं। देखिए जितना नीचे आप यहाँ पर ग्राउंड को लेंगे, उतनी डेप्थ की ग्राउंड आपको नज़र आएगी। तो आप देख सकते हो कि हमारा ये जो है हिली पोर्शन यहाँ पर रेडी हो चुका है। पीछे से भी आप यहाँ पर थोड़ा सा कट कर सकते हो अपने पोर्शन को, देखिए यहाँ पर इस तरह से आप हिल पोर्शन भी इस पे क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल हमने फुटिंग्स वगैरह नहीं बनाई है, आने वाली वीडियोस में मैं फुटिंग्स वगैरह के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जैसा कि देख सकते हो कि इस तरह से हमने ग्राउंड सरफेस भी क्रिएट कर लिया है। अब मैं इस सेक्शन बॉक्स को यहाँ पर हाइड कर देता हूँ। सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर हाइड इन व्यू
बाय एलिमेंट पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो हमारा सेक्शन बॉक्स भी हाइड हो गया है यहाँ पर। और हाइड पोर्शन को आपको वापस से शो करना है तो आपको इस बल पे जाना होगा, और बल पे जाने के बाद यहाँ पर आपको हाइड किया हुआ ऑब्जेक्ट नजर आएगा, तो यहाँ से सिलेक्ट करके राइट क्लिक और यहाँ पर अनहाइड और एलिमेंट पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ से इस तरह से आप अनहाइड भी कर सकते हो, उसके बाद आपको इस बल को ऑफ कर देना है। तो इस तरह से आप हाइड पोर्शन को अनहाइड भी कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे, अब मैंने यहाँ पर अगर ग्राउंड क्रिएट कर दिया है तो आप अगर शीट व्यू में जाओगे यहाँ पर तो आपको भी यहाँ पर हिली पोर्शन नजर आएगा, जैसा कि आप इसमें भी देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा मैं ड्रैग कर देता हूँ इस व्यू को, तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट पर रख देता हूँ। तो देख सकते हो आप, इस तरह से हमारा ये 3D ऑब्जेक्ट यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेक्शन व्यूज वगैरह रेडी हो चुके हैं। आप चाहो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि शीट थोड़ी सी छोटी ले लीजिए, A1 या फिर A2, क्योंकि शीट में ये थोड़ा सा यहाँ पर व्यू बहुत ही ज़्यादा छोटा नज़र आ रहा है। इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। रेविट कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि हम लोग 2 घंटे में इसे सीख पाएँ, मगर मैंने जितना हो सके कोशिश की है। आपको यहाँ पर बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखकर। अगर आपको रेविट सॉफ्टवेयर पूरी तरह से डिटेल में सीखना है तो मैं ट्यूटोरियल वीडियोज लाने वाला हूँ एक के बाद एक। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे बहुत सारे रेविट के ऊपर ट्यूटोरियल्स लाने वाला हूँ। रेविट एक बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है, बहुत से वीडियोस इसमें मैं बना सकता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इन वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके आप हमें कोई भी डाउट पूछ सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।